लगता है आजकल सुंदरनगर में फसल अच्छी हो रही है। नवेली, आओ हमारे साथ भीतर चलो। और बलवंत, दिन कैसे गुजर रहे हैं? हुकुम हुकुम खुश तो दिन, हुकुम उदास तो रात। हुकुम, दीवान साहब ने एक कागजात भेजे हैं। कह रहे थे कि मास्टर दीनानाथ की बातों में आकर पीरगंज वाले आजकल हुकुम के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कर रहे हैं। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। हुकुम, आप हुकुम दें तो मैं लाशें बिछा दूं। ये लाशें बिछाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती तुझे। ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं, सब्र की जरूरत पड़ती है, समझा? हम जल्द आकर सब ठीक कर लेंगे। बलवंत, इस बार अंजलि भी हमारे साथ सुंदरनगर आ रही है। क्या कहा हुकुम? छोटी मालकिन आ रही है? हमारी बहन को हिंदुस्तान ही पसंद नहीं, विलायत में घर बसाना चाहती है। अपनी माटी एक बार छोटी मालकिन के पांव पकड़ेगी तो छुड़ाना मुश्किल होगा उनके लिए। हुकुम, कब तक रुकेगा? पहली गाड़ी से चले जाऊंगा। हुकुम, शहर तुझे अच्छा नहीं लगता? बलवंत को अच्छा क्या बुरा क्या, मालिक का हुकुम ही उसकी जान है। हुकुम, तेरी आंखें हमारे निजाम की निगहबान है बलवंत। जा, खुश रह। हुकुम, हुकुम। सुंदर, अति सुंदर, क्या नाम है तेरा? गंगा। गंगा, गंगा जो पहाड़ों की अजीम ऊंचाइयों से गिरती है और मैदानों की प्यास बुझाती है, मगर ठाकुर दिग्विजय सिंह की प्यास बुझाने के लिए गंगा के अमृत में थोड़ी सी शराब मिलानी पड़ती। हुकुम, ये क्या कर रहे हो? हुकुम, हुस्न की पूजा, खूबसूरती की इबादत। हुकुम, छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? ये लो। कसम घुंगरू के जनकार की, बहुत जल्दी में है मेरी उर्मिला, हिसाब तो दे दीजा। मुफ्त में औरतों की कमाई खाता है, कीड़े पड़े तुझे, ले डल्ले। ये तो सिर्फ 200 है मेरी मनीषा कोरेला। तो क्या 2000 मिलेंगे? कस्टमर ने 400 दिया था, उसका आधा तो हुआ 200।
और वो जो 300 रुपया कस्टमर ने तेरे को टिप दिया था उसका आधा 150 का क्या हुआ मेरी श्री देवी? चल अभी टाइम मत खराब कर, जल्दी से माल निकाल मेरी जूही चावला। हाँ ले हरामी, चल दे भाग यहाँ से। ओए ओए बलवंत, वाह वाह वाह, कब आया तू? आज शाम की गाड़ी से। चल अंदर आजा, अंदर आजा, आजा। अब की बार क्या लेकर आया है? ठाकुर का कोन्या प्रसाद, कसम गंगरू के जनकार की, तेरा ठाकुर भी कमाल का है, कमाल का। जब जी चाह ऐश की और जी भर गया, अपने शिकार को बाजार की रौनक बनने के लिए भेज दिया। तेरा साला ठाकुर भी बहुत ना लख्या ना, हुक्म के खिलाफ एक लफज भी ना, काट डालू। अरे अरे मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ना मजाक में भी ना, हुक्म के खिलाफ मजाक में भी ना। अरे अरे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, एक काम कर, थोड़ी शराब पी ले। अच्छा एक बात तो बता, गांव में सब ठीक है ना? वो भाभी कैसी है, है? तेरा बेटा ढोलू तुझे बहुत याद करे है। ढोलू छोरा भगवान बराबर पूजे है तुझे, तेरे ही सपने देखे है दिन रात, ले दे के तेरे सिवा कौन है उसका? बलवंते ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी एक बेशिया बेशिया, एक बार जिसके कोटे चढ़ गई तेरे ना उतरी। देख तू ठाकुर के शिकारों को मेरे दरवाजे पे छोड़ जाता है और मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचता फिरता हूँ, ना दिन का पता चलता है ना रात का। अच्छा छोड़, ये बता तेरा बेटा कैसा है? करन वो तो पूरा लट हो गया है नौलखे, मुझसे भी एक हाथ ऊपर निकला है। पहले नजर उठा के बात करता था, अभी नजर मिला के बात करे है। भगवान ने सींग नहीं दिए उसे, ससुरा सांड है सांड। कन्ने गांव की गोरियां, कृष्ण कन्हैया से मानो कृष्ण कन्हैया। हाय राम, हाय दया, ओए मां, बुआ हमारा छाट की से घूमे है। करता धरता कुछ नहीं है, बुआ दिन भर मटिया फोड़े है, आज तो सारी जवानी उतारनी है इसकी। मां चलो जय बम बोले, रुक जा। मजाक कर रहे थे तेरा, गांव में तुझसे मजाक नहीं करे तो किससे करे? लल्ला हमें माफ कर दे। पहले नागराज को खुश करो देवियों, नागराज खुश होंगे तो जाने देंगे, नहीं खुश होंगे तो डस लेंगे। नागराज को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाभी तुझे दूध पिलाना पड़ेगा। नहीं ढोलू, इन्हें नाचना पड़ेगा। चलो मेरी चाचियों मौसियों एक तरफ, भाभियों दूसरी तरफ, और गांव की सब गोरियां मेरी तरफ। तुम नाचोगी और मैं बजाऊंगा ढोल, चल घूंघट के पट खोल। ए जमुना चाची, चाची कहाँ है? अरे कलमुए, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तू मुझे नचवाएगा क्या? नहीं नाचेगी मौसी, तो ये तेरा पल्लू उठाएगा और नागराज के दर्शन करा देगा। चलो सब लोग एक साथ नाचो। देख देख करने, देख तू हद से बढ़ता जा रहा है। हाँ अगर मेरे नागराज अपनी हद से आगे बढ़ गए तो तुम सबका हो जाएगा तारा रारा। तेरी माँ नचाया कि मेरी सास को पता चलेगा तो घर में घुसने नहीं देगी। हाँ मेरे घर में आ जाना। तू चुप कर। अरे हमारे मर्दों को पता चला तो तलाक देंगे तलाक, तो इस उम्र में हमसे शादी कौन करेगा? मैं हूँ ना। तू चुप करता है कि? अरे रुक्मिणी बहन, ऐसा ही छांट पैदा करना था तो बांध के रखती, खुला क्यों छोड़ी? माँ ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ। ये लोग मुझे आके बोले कि हमारे साथ सिनेमा वाला नाच नाचो। अच्छा अब कोई बला आके खुद ही गले पड़ेगी तो क्या करेगा ये बेचारा गरीब? मुझे सिखाता है, मेरे पेट का जना है अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। चल नीचे उतर। उतर मारेगी तो नहीं? मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी। चल नीचे उतर। तेरी ये रोज रोज के तमाशे देखने से तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले। करते रहना जो जी में आए वो, न मैं होंगी न ये तमाशे देखूंगी। ए माँ मारना है तो मार ले, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना। ले भाभी। अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, काय को मारती है? पड़ेगा मटकिया।
ये ले काकी दूसरी लकड़ी ले। ए ढोलू, इन बंदे के लोटे। शर्म नहीं आती, माँ को रुलाता है देख। रुलाता है तो क्या हुआ, अभी हंसा देता हूँ। नहीं हंसता मुझे। हंसना तो पड़ेगा माँ। नहीं, नहीं हंसना तो पड़ेगा। ओ तेरा बिटवा जवान होई गवा, रे माँ मेरी शादी कराई दे। अरे ए छोड़ 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 ना बुद्धू। अरे माँ, खाने से ज्यादा तो तेरी उंगलियों में कुछ है, कौन सा मसाला डालती है? रहने दे रहने दे, बहू आएगी ना तो सब भूल जाएगा। अरे माँ मैं तो फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से बहू आए, वही तुम बाप बेटे को ठीक करेगी। अरे माँ मैं बहू थोड़ी ना, मेम लाऊंगा मेम। एक नहीं दो दो लेके आना। चुप, पहले बोल गोप गोपंगम दास। अरे छोड़, पहले मुझे बता तू क्या मेम लेके आने वाला है? और क्या तू समझती क्या अपने करने को? क्या समझू करने को, वो तुझे ना दो ही दिन में आदमी से ऊंट बना देगी। ऊंट देख माँ, अब ऊंट बनाए या कुछ, लाऊंगा तो मैं मेम ही। मेम लाएगा? ठहर तो बताती हूँ, मेम लाएगा, बोल तो मेम लाएगा। देख मैं तुझे ना, देख माँ, देख 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 देख। बापू आ गया, बापू आ गया। क्या ऊंट की तरह दौड़ लगा रहा है तू? ये क्या, 10 रोज बाद आए हो शहर से, न कोई खोज न खबर, यहाँ रहकर हमें चिंता। चुप कर, वकीलों की तरह सवाल जवाब मत कर। तेरी दुनिया चौकट के अंदर है, चौकट के बाहर मैं क्या करता हूँ इसका तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। करने, अपने बापू को बोल के हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ये सब क्या है भाई? बंदगी। How foolish. एकदम विलायती मेम लगती है करने। काकी काकी, तू मेरी इससे शादी करा देना। ढोलू, कौवे को मोती नहीं चुगाए जाते। अरे मैंने इसे कब कौवा कहा है? ए? अरे चुप मरो दोनों, चुप करो। आज के दौर में भी ये सब चलता है, I can't believe it. अंजलि, यहाँ कभी ना कुछ खत्म हुआ है ना होगा, खासतौर से दौलत ओहदे और ताकत के सामने सर झुकाने की आदत, और फिर गरीबों की हड्डियां तो पैदाइशी झुकी हुई होती हैं, जब तक ये झुके हुए हैं हम इनके भगवान हैं। तुम लोग उधर जाके बंदोबस्त करो। अच्छा बलवंत काका, सुनिए जी। क्या? जरा हुकुम से बात करिए ना करने के लिए, उनकी नजर के सामने रहेगा तो इसकी भी किस्मत चमक जाएगी। अच्छा अच्छा, चला जा मेरे साथ। काका काका, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्या जरूरत है काकी, मैं बात करूंगी ना। इस बार आपने जो अस्पताल बनाने के बारे में सोचा है उसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं। ये गांव हमारा भी तो है, हमने तो अपना फर्ज निभाया है मुखिया। हुकुम। बलवंत, कौन है ये? हुकुम, ये मेरा बेटा है करण। कद काट से तो बिल्कुल तेरे पे ही गया है। आपकी छत्र छाया में रहेगा तो ये भी। अच्छा अच्छा, तू इसे अपनी छोटी मालकिन की चाकरी पे लगा दे, अंजलि के लिए जगह नई है, करण उसका ख्याल रख लेगा। हुकुम। गांव के सांप बहुत जहरीले होते हैं, इनसे खेलना बहुत खतरनाक होता है। वो खेल ही क्या जो खतरनाक ना हो, लेकिन तुम कौन हो? मैं करण। हुकुम ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। मेरा ख्याल रखने के लिए? So cute, I like it. जी मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। हुकुम, वो पीरगंज वाला मामला है ना, बहुत बिगड़ता जा रहा है। वो मास्टर है ना, वो हमारी भाषा समझता ही नहीं। हुकुम, इससे पहले कि भैंस पानी में चली जाए। अरे अगर समझ नहीं रहा है तो समझा देंगे। साले को मारूंगा कम, कसीटूंगा ज्यादा और फाड़ के गले में डाल दूंगा। हुकुम आप हुकुम करें। अरे दरोगा जी, ये मामला इतना आसान नहीं है, वरना हम आपसे पहले ही कह देते। हुकुम, इसके लिए तो कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जमीन तो हमारी ही रहेगी। जमीन उसी की होती है जिनके हल चलते हैं, उनकी नहीं जो उन पर हल चलाते हैं। बलवंत जा फतेह कर। हुकुम। छोटी पेंट वाली माल कहाँ जा रही है छोटी मालकिन? आ बैठ। अच्छा। अरे पीछे नहीं, इधर मेरे पास। ए तू हट। हट। बैठने में कोई खतरा तो नहीं है? अब मेरा मतलब है लगाम वगाम हाथ में है ना, ये शहर वालों ने भी अजीब चीज बनाई है, ना घोड़े की जरूरत ना बैल की, चार चक्के नीचे एक चक्का हाथ में, जहां आदमी जाए भूल से पहुंच जाए। सब पानी पानी। ज्यादा बोलोगे तो घोल के पी जाऊंगी। घोल कर पी जाएंगी? अरे हम कोई शरबत है क्या जो घोल कर पी जाएगी? अब ये तो सूखने वाला नहीं, लगता है हमें भीगे बदन ही घर लौटना पड़ेगा। ओह तो चलो हम भी तुम्हारे साथ भीग जाते हैं। अरे आप पानी में क्यों आ रही हैं? आपको सर्दी लग जाएगी। तुम हो तो हमें सर्दी लगने का कोई डर नहीं। हमें गुदगुदी होती है। करण तुम शहर क्यों नहीं आ जाते? अरे आपने तो हमारी दुखती रख पर हाथ रख दिया। वही रख तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अब क्या बताए, हमारा तो बहुत मन है शहर देखने को, लेकिन बापू लेके ही नहीं जाते। सुना है शहर में बहुत कमाल कमाल चीजें देखने को मिलती हैं। वो तो है ही, ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि इंसान गुम हो जाए। अच्छा? ऐसी ऐसी बुलंद इमारतें हैं कि चढ़ते चढ़ते उम्र गुजर जाए। क्या बात कर रही है? और रोशनी की बाहों में तड़पती हुई रातें हैं। आप गुदगुदी मत कीजिए, मुझे कुछ क्या हो रहा है? आप मस्करी बहुत करती हैं। लड़की कौन है? धौलपुर की नैना है हुकुम। घर बार? आप ही के रहमोकरम पर पली है। उसने हमारी नींद में सुराख कर दिया है। बलवंत हमें नैना चाहिए। हुकुम। जल्दी आ डोलू, इसमें छोटी पेंट वाली मालकिन है क्या? हाँ, हाथ लगा हाथ लगा। सुला दे उसको। और कुछ रह तो नहीं गया छोटी मालकिन? रह गया है तू। आप मस्करी बहुत करती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, ये तूने अभी देखा ही कहाँ है, कभी शहर आ तो दिखाऊं। शहर? शहर तो मेरा सपना है छोटी मालकिन, पता नहीं कब पूरा होगा। सपनों को पूरा होते देर नहीं लगती करण, शायद इस वक्त इसी वक्त तेरा सपना कहीं हकीकत में ना बदल रहा हो। दीवान जी हुकुम, उस लड़की को बलवंत के हाथ शहर भिजवा दो। हुकुम, अभी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है और फिर लगान वसूली का वक्त ही आ रहा है, बलवंत की मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी। नैना को बलवंत का बेटा करण शहर छुड़ाएगा। लेकिन करण तो अभी बच्चा है हुकुम। अरे बलवंते, जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ जाए तो वो बच्चा नहीं रहता, और फिर आगे चल के उसने तेरी जगह लेनी है भाई, क्यों हुकुम? दीवान जी ठीक कह रहे हैं बलवंत, नैना को करण शहर लेकर आएगा। हुकुम।
करने की माँ, इधर आ। भागो भागो भागो, गब्बर सिंह आ गया। गब्बर सिंह, ये कौन है जी? ये ठाकुर साहब के मेहमान हैं, इन्हें शहर भेजना है अपने करने के साथ। ले जा इन्हें अंदर। चला जा। अच्छको मच्छको का माँ। ए, कौन है तू? बोलती क्यों नहीं? अरे गुंगी है क्या? अरे ए, बोलती क्यों नहीं? ना जी ना, मैं नहीं बोलना। ए अचको मचको, तू यहाँ क्या कर रही है? ओ करने माँ, ये अचको मचको। अरे ये हुकुम के मेहमान है, इसे शहर भेजना है। तेरे बापू ने कहा है कि तू इसे शहर लेके जाएगा। नहीं, मैं इसे कोई शहर में। अरे शहर? शहर? हाँ शहर। मैं शहर? हाँ माँ, मैं शहर जाऊंगा। वो अपना करना शहर जा रहा है ना, उसको महुआ के घाट तक छोड़ने जा रहा हूँ। वो तुम्हारे लिए पायल लेकर आएगा। पायल? अच्छा मैं चलता हूँ। जा तो रहा है पर मन नहीं करता तुझे भेजने को। मेरा दिल पता। ये तूने क्या कायरों की तरह रोना शुरू कर दिया है? बेटा पहली बार काम पर जा रहा है, उसका कलेजा कमजोर मत कर। अपना ख्याल रखना। करने, ये ले, ये है हुकुम की हवेली का पता, और ये कुछ पैसे हैं, रास्ते के खर्चे के लिए रख ले, और हुकुम की गाड़ी तुझे स्टेशन पे लेने आ जाएगी। एक बात याद रखना करने, हुकुम के लिए वफादारी हमारा धर्म है, ये हुकुम की अमानत है, जान देकर भी इसकी हिफाजत करना। फिकर ना कर बापू, आखिर बेटा किसका हूँ। ज्यादा दिन मत लगाना, तेरी माँ की निगाहें चौखट पे ही लगी रहेंगी। माँ मैं जल्दी लौट आऊंगा। चाची तू करण को यही रख ले, मैं इसको शहर छोड़कर आ जाता हूँ। अरे गई भैंस पानी में। अरे ढोलू, अगर तूने सही सलामत महुआ के घाट तक भी छोड़ाएगा ना, तो ये समझ लेना जंग फतेह कर ली। जा करने, देर हो रही है। अच्छा बापू। जीते रहो जीते रहो, अपना ख्याल रखना। अच्छा माँ, चल ढोलू। अच्छा काका। अरे गधे, तू तो सिर्फ घाट तक जा रहा है, जा। चला चला चला। ढोलू, जब तू गाता है तो समझ में नहीं आता तू गा रहा है या बजा रहा है। मैं इतना अच्छा गाता हूँ। ए अचको मचको, तू क्यों हंस रही रे? करने करने करने, तू मेरे लिए शहर से क्या लेकर आएगा? क्या चाहिए? तू मेरे लिए शहर से एक विलायती ढोल लेकर आना। विलायती ढोल? उसका क्या करेगा तू? मैं विलायती ढोल बजा के विलायती मेम को पटाऊंगा। फिर हंसी? अब क्या हंसी, तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। अरे बाजी, मैं कोई सामान की पोटली हूँ जो मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? पोटली तो है जिसे मुझे हुकुम की हवेली तक फेंकना है। अगर मेरा हंसना पसंद नहीं तो तुम खुद ही उतर जाओ, मुझे तो ढोलू भैया भी शहर पहुँचा देंगे। क्यों ढोलू भैया? क्यों नहीं क्यों नहीं। ए, तू मेरा दोस्त है या इसका? अरे बोलो ढोलू भैया, तुम इससे किसी बात में कम हो क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा तो फिर बोल, पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक देखो आसमान स्काई। इसीलिए बोलता हूँ कि उतार के फेंक दे इसको बाहर। इसको फेंक दूंगा तो शहर किसको लेके जाएगा? अच्छा ठीक है, तो फिर तू इसको बोल दे के चुपचाप बैठी रहे, वरना वरना क्या कर लोगे? करके तो दिखाओ, मैं हुकुम की मेहमान हूँ, तेरी खाल उतरवा लूंगी, जरा शहर तो पहुँचने दो। तेरी तो एक मिनट। अरे मेरी माँ मेरी बहन, तेरे को जो कुछ करना है शहर जाके कर। चलो मेरा गाना सुनो। ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, बाजे रे। तू गाता बिल्कुल रेडियो की तरह है, बस एक चीज का फर्क है। क्या? रेडियो को बंद कर सकते हैं, तुझे नहीं। करने करने करने, एक फर्क और है। क्या? रेडियो को बैटरी लगती है, मुझको नहीं। ए, गाड़ी रोक, लड़की कहाँ है? कहाँ है? अरे ये अचको मचको कहाँ गई? तुमने उसको हंसने के लिए मना किया था ना? हंसने के लिए मना किया था, गायब होने के लिए थोड़ी कहा था। ओ, लगता है कि मतलब
जंगल पानी करने के लिए उतर गई होगी। तो बता के नहीं जा सकती? औरत ज्यादा ना तनिक लज्जा आती होगी। ठहर, मैं उसको ढूंढता हूँ। अरे अचको मचको, अरे अचको मचको, अरे अरे यहाँ पर कोई नहीं है। अबे गधे, आग से हाथ तो हटा। क्या ढूंढ रहे हो भाया? क्या आपकी भैंस हो गई सा? अचको मचको, यो कौन सा जानवर सा है? अरे कन्ने, ये अचको मचको का नाम क्या है? मुझे क्या मालूम? हाँ, बड़ा होशियार बनता है, उसका नाम ही नहीं मालूम। कमाल है जी, जो चीज तलाश कर रहे हो उसका नाम ही नहीं मालूम। पूछो जी। उधर शहर में हुक्म, गाँव में तेरा बाबू हमें पीट देगा, मेरी पतलून फिर से गीली हो जाएगी। चुप होए। कमबख्त चुड़ैल, छचुंदर, छिपकली, चुया। ना जी ना, नैना। हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अरे चार कर रही है। तुमने डाटा क्यों? चल चल नीचे। मुझे चढ़ना आता है जी, उतरना नहीं। तेरी तो एक मिनट मैं नीचे बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर चढ़ जा और उसको उतार ले। साली को चढ़ना आता है, उतरना नहीं। उतारता हूँ, उतारता हूँ। ए, क्यों हंस रही है? भूत देख लिया क्या? तेरे को क्या हुआ? एकदम सवरिया बालम लग रहा है करने, तू भी अपनी छवि देख ले। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर रुककर खाना नहीं खाया ना तो चूहे आ मुझे खा जाएंगे। रुकते हैं रुकते हैं। एक करने, मेरे हाथ खोल देना। ऐसे कैसे चलूंगी करने, हाथ खोल। ए, मुझे भी देना, भूख लगी है। भूख लगी है ना? और नाटक करेगी? अब तो मेरे हाथ खोल दे। ना जी ना, मैं नहीं खोलना। हाथ खोलूंगा तो फिर से उड़न छू हो जाएगी। रुक जा, खिलाता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? काटती है साली, लड़की है या बिल्ली? बिल्ली होती तो पूछ होती, पूछ नहीं है। लड़की है, लड़की लड़की। अब तो ना खिलाऊंगा ना हाथ खोलूंगा। ए, नहीं खिलाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो जा मर जा, इसकी लाश हम हुकुम के हवाले कर देंगे। पाप लगेगा तुझे। हाँ ले, चुड़ैल को मारने से भी पाप लगता है, क्यों डोलू? चुड़ैल बोला मुझे, दिखाती हूँ तुझे चुड़ैल क्या होती है। चुड़ैल बोला ना, एक बार रस्सी काट लेने दे, फिर दिखाती हूँ तुझे। कर ले जो चाहे कर ले, तेरा मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला, क्यों डोलू? मुझे माफ कर दे, ला मैं पट्टी बांध देती हूँ। मुझे नहीं बंधवानी पट्टी। देख, तू पट्टी नहीं बंधवाएगा तो मुझे पाप लगेगा, ला हाथ दे। कहा ना नहीं बंधवानी? मैंने जानबूझकर थोड़ी तेरी उंगली काटी थी, वो तो बस अपने आप मेरे दांतों के बीच आ गई। तूने तो पहले मेरे हाथ बांधे थे, मुझे भूख लगी थी, गुस्सा आ गया, पत्थर फिसल गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी पत्थर मारा था। कन्ने, बंधवा क्यों नहीं लेता? देख बेचारी कैसे रो रो के माफी मांग रही है। नहीं बंधवाऊंगा। तू चुप रह, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं बंधवाता। चल बांध तू। छोड़ ढोलू, तुझे मेरी कसम करने। हाँ बांध बांध बांध। तुझे मेरी हंसी पसंद है तो ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी, लेकिन तू मुझे माफ कर दे करने। मैंने तुझे हंसने के लिए मना किया था, रोने के लिए थोड़ी कहा था। मजा आ गया, दोनों ऐसे घुल मुल गए जैसे दूध में शक्कर। हाय दैया, शक्कर इतनी काली होती है क्या? ए, तू क्या अपने आप को दूध समझती है? भैंस है भैंस। अरे कन्ने कन्ने कन्ने, देख तेरी भैंस कहाँ चली गई? घास चरने गई होगी। मेरी गंगा और जमुना।
अटैक। लो भाई आ गया महुआ का घाट। ढोलू भैया तुम्हारे साथ तो समय का पता ही नहीं चला। मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, लेकिन देखो तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी छोड़ना नहीं है, और मेरे दोस्त कन्ने को कभी तंग नहीं करना। नहीं करूंगी जी। कन्ने तुम लोग चले जाओगे, तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरे को। ए, अगर तू रोएगा ना तो मैं शहर नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा, शहर तो तेरा सपना कहता है नहीं जाऊंगा। ये मेरे बापू को दे देना। ये क्या है? मैंने अपने बापू के लिए चिट्ठी लिखी है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, उनको देखने का बहुत दिल करता है। तू मेरे बापू से कहना क्या उनको अपने ढोलों की याद नहीं आती, क्या वो अपने बेटे से मिलना नहीं चाहते। बोल दूंगा, पहले तू बोल। चूसो चूस गड्ढेरिया, दो तेरिया, दो मेरिया, खट्टी मीठी बेरिया, फिर मिलने की देरिया। बोल चूसो चूसो चूस गंडेरिया, तो तेरी या तो मेरी या, खट्टी मिट्टी मेरी या, फिर मिलने की तेरी या। मैं नहीं बोलना, लड़ पड़ेगा तो सुलह कौन कराएगा, अब तो ढोलू भैया भी नहीं है। हाँ नैना, जब कोई अपना बिछड़ता है ना तो दिल को बहुत अजीब लगता है। ए, कल को अगर हम बिछड़ गए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तू मेरी लगती क्या है? क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? हाँ, क्या लगती है तू मेरी? बोल बोल। कुछ नहीं लगती ना, तो फिर ठीक है, तू चल अपने रास्ते और मैं चलती अपने रास्ते। इस तरह आगे आगे क्या जा रही है, पीछे पीछे चल। मैं क्या तेरी गुलामों की तेरे पीछे चलूंगी, तू चल मेरे पीछे। अरे मैं तो तेरी हिफाजत के लिए कह रहा था। मुझे नहीं चाहिए तेरी हिफाजत। ओए, बैल की तरह आगे आगे क्या जा रही है, तुझे पता भी है कहाँ जाना है? पता है जी, सब पता है। यहाँ से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से सीधे, सीधे से फिर दाएं, दाएं से बाएं, फिर सीधे। नाक की सीट पे दो फलांग के बाद सामने स्टेशन, बैठो गाड़ी में फिर से शहर। मेरा क्या है, मैं तो इसकी हिफाजत के लिए बोल रहा था, जहाँ चाहे मरे, डर लगेगा तो आएगी दौड़ी दौड़ी मेरे पीछे। कहाँ गई कमबख्त? अरे भैया, ओ अरे भैया, आपने यहाँ से किसी पागल लड़की को जाते हुए देखा है? नहीं तो अब कहाँ ढूंढूं? जिसे ढूंढ रहे हो जल्दी ढूंढ लो, आगे घने जंगल हैं, मिल भी गई तो पहचान भी नहीं पाओगे। समझ में आया आपको? जल्दी जाओ, बहुत से जंगली जानवर हैं वहाँ।
चला गया था मुझे छोड़कर? कहाँ चला गया था? ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? अरे तू खुद ही तो आगे आगे गई थी, तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे जाने क्यों दिया? मैं बेवकूफ हूँ ना, पागल हूँ ना? तुझे तो मेरी फिक्र करनी चाहिए थी, तूने मेरी सुनी क्यों? तू मेरी सुनती कहाँ है? नहीं सुनती, मेरी मर्जी। तू तो मुझे डांट डपट कर रोक सकता था ना। अगर डांटता तो रोने लगती तो क्या होता? रोती तो रोती, गुम तो ना होती। बहुत बड़ा बनता है मुझसे, ताकत वाला बनता है। हिफाजत करने चला था ना मेरी, ये हिफाजत की तूने, ये हिफाजत की। तो मुझे रोकता क्यों नहीं? चुपचाप मार खाए जा रहे, तुझे चोट नहीं लगती क्या? तेरी चोट भी इतनी मीठी है नैना, मार ले जितना मारना है। ए, मैंने तुझे हंसने से मना किया था, रोने के लिए नहीं कहा था। अब के तू मुझे छोड़ के चला गया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हंसी तो मेरी जान ले चुकी है। अलग अलग चले या साथ साथ? साथ साथ। करने, जब मैं तुझसे बिछड़ी तो डर के मारे मेरी तो सांस ही रुक गई थी। डर तो मैं भी गया था नैना। तू और डर गया था? चल झूठा कहीं का। सच नैना, इतनी थोड़ी सी देर में मैंने सारे नरक देख लिए। सच, मुझे भी ऐसा ही लगा। करण, अगर मैं सच्ची में गुम हो जाती तो तू क्या करता? फजूल बात मत कर, अब सीधे सीधे चल। सच बता, अगर मुझे कोई जानवर खा जाता तो? अब नाटक बंद कर, सफर लंबा है। सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में पहुँचेंगे बस। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची? कितना मजा आएगा ना। मजे की बच्ची, दो घंटे बाद गाड़ी है, छूट जाएगी। तो क्या हुआ, एक गाड़ी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। पर तू छूट गया तो कहाँ मिलेगा? संभल के चलना, आगे कीचड़ है, फिसल गई तो बम्बई की जगह भटिंडा पहुँच जाएगी। पता है जी पता है, मुझे चलना आता है। अब देख क्या रहा है, खड़े खड़े हाथ देना। बोला था ना संभल के चल, गिर जाएगी। मैं तो मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखती क्या है, सामने नदी है, कपड़े उतारो और कूद जा पानी में। ना जी ना, मुझे शर्म आती है। क्या कहा उसने बताने है? आज ठीक है, मैं आगे शाम को बात करता हूँ, देख लूंगा उसको। हे करने, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, शहर जाने को जी नहीं कर रहा। ए चल ना, वापस चलते हैं। क्या रखा है मोई शहर में? नहीं नैना, बापू ने कहा है तुझे जान देकर भी हुकुम की हवेली पहुंचाऊं। पहले तुझे हुकुम की हवेली पहुंचाऊंगा, फिर गांव जाकर बापू से जरूरी बात करूंगा। ए क्या बात करेगा, बोलना। यही के बापू, एक रेलगाड़ी घर लानी है। क्या, मैं तुझे रेलगाड़ी की तरह काली कलूटी लगती हूँ? तो ठीक है, कर ले शादी किसी रेलगाड़ी से। मैं अरे कहाँ चली मेरी 56 मील, सुन तो। अब ये 56 मील तेरे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। हाँ
अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तेरे बिना मैं जी पाऊंगा क्या? तू मुझे हुक्म के पास छोड़कर कहां वापस चला जाएगा? मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त न होगी। जुदाई को नजदीक आने न दूंगा, तुझे एक पल दूर जाने न दूंगा। मैं पलकों में सपना बना के रखूंगी, तुझे घर कनों में बसा के रखूंगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। इस बेचैनी का सबब? नैना, नैना, इस बेचैनी का भी एक अलग ही नशा है। ऐसा क्या है उस लड़की में हुकुम? लड़की? वो नैना है नवेली। नैना, आपकी सेज से उतरकर नैना भी एक आम लड़की की तरह हो जाएगी हुकुम, जिसे आप दोबारा देखना गवारा नहीं करेंगे। सर, हुकुम, करण, तुम आपके मेहमान को बापू ने बोला ना, तो हम लेकर आए ढोलपुर से। शाबाश, हमें भी शहर देखने का बहुत शौक था इसलिए। अच्छा किया, अच्छा किया। नवेली, हुकुम, आपकी हवेली तो गांव वाली हवेली से भी बहुत बड़ी है। हाँ है ना, कब तक रुकेगा? अब आए तो शहर देखकर ही जाएंगे, अगर आप कहें तो। जब तक तेरा जी चाहे रुक। बख्तावर। यस सर। करण को ठहराने का इंतजाम कर दो। ओके सर। आओ हमारे साथ भीतर चलो। हमें लेवाने कब आओगे जी? बहुत जल्दी। अंजलि, इतनी जल्दी क्या अमेरिका वापस जाने की? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? जहाँ मन लगा वहाँ तो आपने हमें रहने नहीं दिया भाई। अब यहाँ रहने के लिए कोई बहाना भी तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब अगर आप शादी कर ले तो हमें यहाँ कुछ और दिन ठहरने का बहाना मिल जाएगा, इस घर को खुशियाँ और हमें एक भाभी। कोई खास मेहमान? हाँ नैना, है तो खास मेहमान, कल ही गांव से आई है, बलवंत की बेटी करण के साथ। जय राम जी की। हम करण हैं, गांव से आए हैं। क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है तबीयत पानी। लगता है मेम साहब ने कुछ खास ट्रेनिंग दी है आपको चुप रहने की। अरे जरा हिला डुला कीजिए तबीयत। कमाल है, ये तो नकली है। पत्थरों के इस शहर में कुत्ते भी भूत हो गए। जवाब नहीं इस शहर का, जो आंखों को नजर आता है वो है नहीं और जो है वो नजर नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों बड़े बुत साहब, आपका कहीं वो छोटी बुतियान के साथ कुछ लफड़ा तो नहीं? नहीं, अगर है तो आप
मुझे बता दीजिए, मैं छोटी मालकिन से कहकर सब फिट करा दूंगा। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो अरे करण तुम बाप रे, यहां तो कदम कदम पर खतरा है, आप कैसे रहती हैं इन खतरों में? बेहद तकलीफ से। आप मस्करी बहुत करती हैं। अब देखिए ना, गली की तो बात है, आपने कहा और हम शहर आ गए, अब जल्दी से हमें शहर दिखा दीजिए। शहर क्या, तुम तो बहुत कुछ देखोगे हमारी आंखों से। ये क्या है छोटी मालकिन? तुझे मेरे प्यार का तोहफा। छोटी मालकिन, ये प्यार नहीं। जिस जिस्म को पाने के लिए शहर का हर मर्द अपनी रूह को बेचने के लिए तैयार है करण, और ये जिस्म तुझ पर बिकने को तैयार है। ये जिस्म सबकी ख्वाहिश है करण, और इस जिस्म की ख्वाहिश है तू। जिस्म की नुमाइश पश्चिम की अदा है, शर्म हिंदुस्तान का गहना, और प्यार, प्यार तो दिलों में धड़कन बन के बस जाता है, और इस दिल की धड़कन का नाम है नैना। नैना पागल, नैना तो हमारे भाई ठाकुर दिग्विजय सिंह की ख्वाहिश है। ये झूठ है, ये झूठ है ना? नहीं करण, यही सच है। इस वक्त तेरी नैना हमारे भाई की बाहों में पिघलने के लिए सज रही होगी, और हमारे भाई की बाहों में पिघलने के बाद मसली हुई कलियां सिर्फ बाजारों की रौनक बनती हैं। हुकुम? हुकुम नहीं, गुलाम। ये पाप है हुकुम। पाप? ये तेरी खुश नसीबी है कि ठाकुर दिग्विजय सिंह ने तुझे इस काबिल समझा। दुखदार जी, दुखदार। ये दर्द हमारा इनाम है तुझे। कोई और लड़की होती तो उसे मौत कबूल करनी पड़ती। हम किसी और से प्यार करते हो? ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाहत किसी और का प्यार कैसे? हम मर जाएंगे हुकुम, हमें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे हुकुम। लड़की, तू दिग्विजय सिंह का जुनून है, मौत भी तुझे हमसे छीन नहीं सकती। ना जी, वो हमारा सच्चा प्यार है हुकुम, हमारा सच्चा। नैना, नैना, वो आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए हुकुम, वो हमें लेवाने आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए। वो आ तो गया है, मगर अब वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाए। नैना, यहां के दरो दीवारों को हमारी सिवा किसी और की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। हम नैना को लेने आए हैं हुकुम। गुस्ताख, अपनी जबान से नैना का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, वो हमारी मोहब्बत है हुकुम। हमें नैना दे दीजिए, हम उसे लेकर गांव लौट जाएंगे, गांव लौट जाएंगे हुकुम। नैना हमारी जागीर है, वो इस घर में हमारी ख्वाहिश बनकर आई थी और अब हमारी जिंदगी बनकर रहेगी। जा, चला जाना से। आपके पास तो सब कुछ है और हमारा सब कुछ नैना है, हमें हमारी नैना दे दीजिए। तुझे नैना चाहिए? हाँ हाँ हुकुम, हुकुम नैना चाहिए मुझे। सच में तुझे नैना चाहिए? हाँ हुकुम। नैना, नैना चाहिए।
चाहिए इसे, हमारी नैना चाहिए इसे। हाँ नैना चाहिए मुझे, मुझे नैना चाहिए। नैना का नाम अब किसी की जबान पर आया तो हम उसकी जबान खींच लेंगे। जितना चाहे सुन कर लो, पर मेरी नैना मुझे दे दो, मेरी नैना मुझे दे दो। मत ले नैना का नाम, ये हमारी कुव्वत आजमा रहा है। अगर तू हमारे वफादार बलवंत का बेटा ना होता, उसका खून ना होता, तो तेरे जिस्म का सारा खून फर्श पर बहा देते। उसी खून में बहते हुए तेरे नमक ने मुझे रोक रखा है, वरना नैना की खातिर मैं यहां लाशों के ढेर बिछा देता। इसे समंदर के हवाले कर दो। कहाँ है मेरा करण? क्या किया उसके साथ? कहाँ है मेरा करण? मैं तुमसे पूछ रही हूं, बताओ कहां है मेरा करण? वो मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। करण, करण कैसे मर सकता है? वो नहीं मर सकता। मैं सबूत हूं कि वो नहीं मर सकता। करण जिंदा है, वो जिंदा है। अरे वो सांस लेता है तो मैं सांस लेती, वो कैसे मर सकता है? वो कैसे मर सकता है? मेरा करण नहीं मर सकता, मेरा करण नहीं मर सकता। उसकी उम्मीद छोड़ दे लड़की। नैना सांस छोड़ सकती है, करण की आस नहीं छोड़ सकती। हमारी चाहत तुझे किसी और की आस करने की इजाजत नहीं दे सकती। तुझे नैना चाहिए ना, बहुत खूबसूरत लगता है ना नैना का ये जिस्म। अगर ये जिस्म मेरे करण की सजा है तो मैं इस जिस्म को बर्बाद कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इस जिस्म के, बर्बाद कर दूंगी अपने आप को, टुकड़े टुकड़े। बस बस बस, इस जिस्म पर हमारा हक है, तू इस पर और जुल्म नहीं कर सकती। यही तो फर्क है तुझ में और करण में। तुझे सिर्फ नैना के जिस्म से प्यार है, लेकिन करण, करण के लिए नैना जिस्म नहीं, नैना जिस्म नहीं, वो तो उसे उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है। नवेली, हुकुम। इससे पहले कि हम अपने होश गवा बैठे, इस लड़की को होश में ले आओ। जिद छोड़ दो भाई, आप हार जाओगे। हम कभी हार नहीं सकते। हार सकते हैं प्यार से, उनके पीछे प्यार की ताकत है जो आपसे बड़ी है। ठाकुर दिग्विजय सिंह, जिंदगी में कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। मरना चाहता है, मरने का बहुत शौक है तुझे। नैना के बगैर तो हम मर भी नहीं सकते। मिलना चाहेगा नैना से? आ मेरे साथ। नैना, ha ha ha।
जीना, कुछ ना बोलना। ले जाए इसे, इससे पहले कि मेरे भाई का कहर तुम दोनों पर मौत बनकर टूटे, भाग जा इसे लेकर, मैं कहती हूँ भाग जा। हमें भगाने का अंजाम जानती हूँ छोटी मालकिन। मौत, मौत से ज्यादा कोई क्या दे सकता है, और मौत से कम लेना तो मोहब्बत की तौहीन होगी ना करण। भाग जाओ, मैं कहती हूँ भाग जाओ। पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ गए। आप हार गए भाई। आप चिंता मत कीजिए सिंह साहब, आपकी बहन का कातिल इस शहर से भाग नहीं पाएगा। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर रखी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, और फिर आपने कातिल का पता देने वाले के लिए 10 लाख का इनाम भी तो रखा है। हम पर कातलाना हमला हुआ, हमारे गांव से आई हुई मेहमान को रुआ कुआ करके ले गया। इंस्पेक्टर, अगर 24 घंटे के अंदर तुमने उस कातिल को हमारे सामने हाजिर कर दिया
तो हम तुम्हें इनाम से कई गुना ज्यादा रकम देंगे, वो जो तुमने तुम्हारी सात पीढ़ियों ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। सरकार, ऐसी रकम के लिए हम कानून को भी अपने हाथ में ले सकते हैं, इनफैक्ट पूरे शहर को आग लगा देंगे हम। करण, क्या हम इस शहर से निकलकर गांव पहुंच पाएंगे? क्या हमारा सपना पूरा होगा? घबरा मत नैना, मैं हूं ना तेरे साथ, हम बहुत जल्द गांव लौट जाएंगे। माँ, बापू, ढोलू हमारे अपनों के पास, वहां जाते ही हम ब्याह कर लेंगे। हमारा सपना जरूर पूरा होगा नैना, जरूर पूरा होगा। एक विशेष सूचना, कल रात शहर के मशहूर उद्योगपति ठाकुर दिग्विजय सिंह की बहन अंजलि सिंह की हत्या कर दी गई। सूचना के अनुसार हत्या करण सिंह नामक युवा ने की है, जो ठाकुर दिग्विजय सिंह के घर मेहमान आया था और हत्या करने के बाद फरार हो गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने हत्यारे के बारे में खबर देने वाले के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हत्यारे के बारे में किसी किस्म की सूचना मिलने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। ये मेरे बापू को दे देना। नौलखा चाचा, हमें इस शहर से बाहर निकाल दो ताकि हम गांव पहुंच सके। अरे तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चों, कसम गुंगरू के जानकार की, जब तक तुम्हारा ये नौलखा चाचा जिंदा है ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरा होने तक तुम दोनों यही ठहरोगे और उसके बाद मैं तुम दोनों को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां पर खतरे को भी पहुंचने में डर लगेगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। अगर तेरी ये खबर सही है तो इनाम का हकदार तू ही होगा। आहिस्ता सरकार, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। वो क्या है कि आजकल फूलों का दाम मंडी में बढ़ गया है, आप जैसे अमीर लोगों ने उनका भाव बढ़ा दिया है अपने कोर्ट के छेद में सजा सजा कर। क्या चाहते हो तुम? अरे कुछ नहीं हजूर, इनाम की रकम जरा बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा। 10 लाख तो सौदा लगता है, सौदा 11 कर देंगे तो शकुन लगेगा हजूर। ठीक है, नैना और उस लड़के के मिल जाने के बाद आप उधर पुलिस को हुक्म करो रेड करने को, और इधर पैसा तैयार। कसम कुंगरू के जानकार की, नौलखा दलाल जरूर है लेकिन जवान का पक्का, सौदे में कभी धोखा नहीं करेगा हजूर। इंस्पेक्टर। यस सर। इस वक्त नैना और वो लड़का कमाठीपुरा के दलाल नौलखा के कोठे पर हैं। पुलिस आ पहुंची है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तुम कौन हो? गंगा, उसी ठाकुर के जुल्मों की शिकार। लेकिन नौलखा चाचा ने तो हमारी हिफाजत। लगता है नौलखे ने तुम्हें भी बेच दिया। दरवाजा खोलो। इससे पहले कि नैना एक और गंगा बन जाए, भाग जाओ। दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ भाग जाओ, भाग जाओ करण। तोड़ दो दरवाजा। नैना भाग जाओ, भाग जाओ।
देखो छोरा छोरी कहाँ हैं? बच्चों को छोड़िए दरोगा साहब, हम तो हैं। जरा हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए। इनफैक्ट ये नाटक दिखाकर हमको बहलाना चाहती है। हवलदार, यस सर। कोठे का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो कि वो दोनों भागने ना पाए। साहब बोलो नीचे ना आए। अरे जब छोकरा छोकरी नहीं पकड़ सकता तो बड़े बड़े मुजरिम कहां से पकड़ेगा? अरे हजूर माए बाप, हफ्ता लेते लेते इसके हाथ मुलायम हो गए हैं, पकड़ में दम नहीं रहा। थाली में परोस कर लाया था मैं माए बाप। अरे तेरे को कीड़े पड़ेंगे कीड़े, हराम कोर। अरे मेरा कसूर क्या है? अरे 50% दे दो, अरे 20 दे दो। अरे बड़ुए मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, तुझे एड हो जाए, मेरा 11 लाख का नुकसान किया है। अरे तुझे कीड़े पड़े आरामी। एक मौका और दीजिए सिंह साहब, सिर्फ एक मौका। इस बार वो दोनों बच नहीं पाएंगे। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा सरकार। अगर नैना वो लड़का हमें जल्द नहीं मिले तो हम पागल हो जाएंगे और इस शहर राख। क्या बात है मनीम जी? अरे गई भैंस पानी में, शहर से तार आया है, तुम्हारे लौंडे ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। ऐसा क्या कर दिया करने ने? अरे अपना करना हुकुम की अमानत उस लौंडिया को लेकर भाग गया है। हुकुम ने तुम्हें जल्दी शहर बुलाया है, अभी के अभी। करने की माँ, मेरा सामान बांध जल्दी, मुझे शहर जाना है। शहर जाना है? काहे अचानक शहर जाना है? सब कुशल मंगल तो है ना? क्यों लाला जी, कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे करने को? अरे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है, तू मेरा सामान बांध। अब कुछ बताओ भी क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा मेरे करने को। काम हो जाएगा। माँ, पा
पानी, पानी। करण, करण, तुझे प्यास लगी है करण? मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। बलवंत सामने आ, हाँ इधर आ, बैठ बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठ जा बलवंत, बैठ जा। देख रहा है, देख रहा है ना बलवंत, देख क्या हाल हो गया तेरे हुकुम का। तेरे बेटे ने बरसों के नमक को पानी कर दिया रे, हमारी बहन को उसने मार डाला, हम पर उसने गोली चलाई। बलवंत, नैना को लेकर भाग गया है वो। बलवंत, चार दिन से तेरा हुक्म सोया नहीं, देख देख हमारी आंखें, देख होश भी नहीं बचा बलवंत। देख तेरा हुक्म होश में लगता है, होश में लगता है तेरा हुक्म बलवंत। तू तो जानता है कि एक बार कोई चीज तेरे हुक्म की निगाहों पे चढ़ गई तो उस पर किसी दूसरे का नजर डालना भी नमक हरामी है, उसका ख्याल करना भी बगावत है, और उसकी सजा जानता हूं। मौत है उसकी सजा, जा उसे लेकर आ। तेरा खून है ना, तू बुलाएगा तो जरूर आएगा।
ये शहर नर्क है नैना, नर्क। ये शहर हमें खा जाएगा। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और हम गांव लौट गए होते तो अच्छा होता। कम से कम हमें ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। नैना! क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? मर जाने थे मुझे, मर जाने। साथ जीने की कसम खाई थी और अकेले मरने का फैसला कर लिया तुमने। मत कर इतना प्यार मुझसे, मत कर। मेरी मोहब्बत तेरी जान की दुश्मन बन गई है। अगर तुझे कुछ हो गया ना कर तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। जिसके पास मोहब्बत है उसे ना जान का डर है ना जान का। करने 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 करने। देख ना मेरा बापू, बापू करने मेरे बच्चे। बहुत सताया है शहर वालों ने हमको, बहुत सताया बापू। हमने इनसे कहा हमको गांव वापस अपने बापू और अपनी मां के पास जाने दो, नहीं जाने दिया। बहुत मारा हमको, पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाया। देखो ना क्या हालत हो गई है आपके बेटे की। हमको गांव वापस ले चलो, हमको मां की बहुत याद आती है। अब हम वापस शहर आने की जिद नहीं करेंगे बापू। तो फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, मेरे करने सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तू आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नैना नैना सब ठीक हो जाएगा, देख बापू आ गया है। अबे सालो बाहर निकलो, हमारा बापू आ गया है। अब बाहर निकलो आराम साधो, बापू आ गया है, हमारा बापू आ गया है। अगर एक बाप की औलाद हो तो बाहर निकलो और दिखाओ अपनी ताकत। क्या समझते थे क्या बरा थे? अभी अभी हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ, जोड़ दो करने। संभाल अपने आप को, अपने आप को संभाल करने करने। बाबू रख अपने पे, हाथ लगा के दिखाओ, हौसला रख, हौसला रख करने। बाबू करने बेटे, मोहब्बत हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, जान ले लेती है ससुरी। करने नैना हुक्म की अमानत है। ये तो क्या कह रहा है बापू, अपनी होने वाली बहू को गाली मत दे। मैं नैना के बगैर नहीं जी सकूं। हमने हुक्म का नमक खाया है, हुक्म की वफादारी हमारे खून में है। तो हुक्म के साथ वफादारी निभाने के लिए तू अपने खून के साथ ना इंसाफी करने को तैयार है बापू? दीवाना हो गया है
तू होश में नहीं है। इस लड़की पर नजर डालना भी पाप है। तू मेरे साथ चल और नैना को हुक्म के हवाले कर दे। मैं हुक्म से तेरे लिए माफी मांगूंगा। बापू, मेरे लिए कुछ मांगना है ना तो भगवान से नैना मांग। उस हुक्म जैसे कुत्ते से क्या मांगता है। ना करने, ना। मैं बेटे की शक्ल में हुक्म का एक बदनसीब दुश्मन देख रहा हूं और मैं अपने बाप की शक्ल में हुक्म का एक बेरहम चल्ला देख रहा हूं। यहां वहां क्या मारता है? यहां मार, यहां। सारा कसूर तो इस ससुरे दिल का है। दाग दे गोली और फिर लाश बनाकर फेंक देना अपने हुक्म के सामने। ना जी ना, ना जी ना बाबूजी। मेरी खातिर बाप बेटे दुश्मन बन जाए तो मैं जी के क्या करूंगी? ले चलिए मुझे बाबूजी, ले चलिए हुक्म के पास। मगर करण को माफ कर दीजिए बाबूजी। चल तू मेरे साथ। बापू, अपनी बहू का हाथ छोड़ दे, नैना का हाथ छोड़ दे बापू, नैना का हाथ छोड़। अब क्या बोलता है बापू? देखता क्या है, मार डाल मुझे। अगर अपनी और नैना की जिंदगी चाहता है तो मार डाल मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तू नहीं बचेगा। तेरे मेरे बीच में मां का सुहाग नहीं होता ना तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ता। तूने मुझे जिंदगी दी है ना, आज मैं तुझे जिंदगी देता हूं। हमारा हिसाब बराबर हो गया बापू, बराबर हो गया। करने, करने, रुक जा करने, 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 करने। काकी क्या हुआ? मेरा कर ढोलू, पता नहीं मुझे बहुत बुरा सपना आया है। ये बाप बेटा तो मुझे पागल करके रहेंगे। मुझे शहर ले जा, मुझे शहर ले चल ढोलू, मुझे शहर ले जा बेटा। ले चलूंगा काकी, तू फिक्र मत कर। राम जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। हमने कहा था ना तू हमसे ब्याह करेगी? नहीं, तू सिर्फ हमारी दुल्हन बनेगी। नहीं, हर रात ये कयामत हमारी बाहों में टूटेगी। नहीं, तुझे हर रात के इनकार की कीमत चुकानी होगी लड़की। आज ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी फतह का जश्न मनाएगा। तू हमारी है, हमने तुझे हासिल कर लिया। नैना, नैना तो सिर्फ करण की है। हेलो इंस्पेक्टर, इस दीवानी को उसके आशिक की आवाज सुनाओ। वो क्या कहते हैं कि जब तक खाने में नमक और मिर्च ना हो तब तक खाने में जायका नहीं आता। लाल मोहन, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर। अब अपने जख्मों को बोलने दे बबुआ। ये लोग से मार डालेंगे हमको। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उन्हें रोक दीजिए हमको। उन्हें रोकना हमारे बस की बात नहीं, उन्हें सिर्फ तुम रोक सकती हो। मैं आपसे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। वो ठहरा जाहिल कमाल, पर उसमें क्या है जो आप में?
दीजिए हुकुम, उसे बख्श दीजिए, उसे बख्श दीजिए। मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। नौलखा, अरे नौ, अरे मुया, अरे अरे भाभी, अरे भाभी, अरे तू यहाँ कैसे? अरे इतना ढूंढा, इतना ढूंढा मुआ, ये शहर है कि जंगल? अच्छा ये बता, तू ऐसी जगह में रहता कैसे है? तू एक काम कर, अंदर चल, अंदर आजा भाभी, अंदर आजा भाभी, मेरी माँ। अच्छा एक बात तो बता भाभी, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? अब क्या बताऊँ, जैसा बाप वैसा ही बेटा। पहले करना शहर चला आया, उसकी कोई खबर नहीं आई। उसके पीछे उसका बापू शहर चला आया, उसकी भी कोई खबर नहीं आई। वहाँ रहकर मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, तो मैं भी चली आई। अरे यो अकेली चली आई? अरे अकेली नहीं, तेरे ढोलू को साथ लेकर आई हूँ। ढोलू भी आया है? पाँव छू अपने पिताजी के। बापू पायल आगे। अरे जीता रहे, जीता रहे। देखा कितना बड़ा हो गया है तेरा ढोलू, बिल्कुल मेरे करने जैसा। भाभी मैं तुम दोनों खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ना ना लखे, पहले तू करने और उसके बापू की खैर खबर सुना, तुझे तो मिले ही होंगे। ये क्या बताएगा काकी? गंगा तू यहाँ? हाँ काकी, बलवंत काका मुझे हुक्म के यहाँ पहुँचा गए। और जब गांव की बेटियों से उस ठाकुर का मन भर जाता है, तो ये नौलखा उन्हीं बेटियों की बोटियां बना देता है इस बाजार में बिकने के लिए। ये तू क्या कह रही है गंगा, ये क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है बाबी। झूठ? तो पूछो इससे कि तुम्हारा करण कहाँ है। मेरा करना कहाँ है नौलखे? ये नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। तेरा करण उस कैद में है जहाँ से मौत के सिवा उसकी कोई रिहाई नहीं। मेरा करना कैद में? क्यों, किसने डाला उसे कैद में? क्या क्या कसूर था उसका? हाँ बता, क्या कसूर था मेरे बच्चे का? उस अभागे ने नैना से प्यार जो किया, और इससे पहले कि ठाकुर उसकी नैना की जिंदगी को बर्बाद करता, करण नैना को ठाकुर के कहर से भगा ले गया। और जब वो इस नौलखे की शरण में आए, तो इसने पैसों की खातिर उन्हें बेच दिया। क्या? पैसों की खातिर मेरे यार की जिंदगी को बेच दिया? मेरे यार की जिंदगी को बेच दिया? बापू तेरे पास दिल है कि पत्थर है? अरे क्या क्या नहीं बोलता था मैं अपने गांव में कि हमारा बापू शहर में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। ये काम करता है तू, ये काम करता है तू, है तेरे पे। बापू कितने अरमानों के साथ, कितने सालों के बाद हम अपने बापू को मिलने आए थे, अब गांव जाकर क्या कहेंगे कि हम अपने बाप से नहीं, एक शैतान से मिले थे, शैतान से। बापू अब तेरे पापों का प्रायश्चित मैं करूंगा तेरे पापों का प्रायश्चित। तूने गंगा का कोठा दिया ना, मैं इसे घर दूंगा, घर। चल गंगा, चल काकी यहां से चलते हैं, चल काकी, चल चल गंगा, चल। बलवंत आज मैं अपनी औलाद के सामने नंगा हो गया, नंगा। कसम घुंघरू के जानकार के इंसान गिरते गिरते एक दिन इतना छोटा हो जाता है कि उसे डूबने के लिए चुल्लू भर पानी तो क्या, अपनी औलाद की तू की काफी होती है। बलवंत मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया, बलवंत मैं लुट गया। अरे वही जिसका कल हम लोगों ने तोड़ पानी किया था, चला आजा बुढ़िया, आजा जी साहब, मिल ले उससे। करने करने तेरी माँ आ गई है मेरे बच्चे।
पढ़ ली है मां, नैना जानती हूं, मैं सब जानती हूं। तेरे लहू की एक एक बूंद उसका नाम लिख रही है। इतना प्यार तो कोई खुदा और भगवान से भी नहीं करता रे जितना तूने नैना से किया है। लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बुढ़िया कौन है लालमोहन? अपने तोड़ पानी की मदर है सर। बुढ़िया, तेरा बेटा तो गया काम से। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? जिस लौंडी की खातिर इसने हीरो बनकर सिंह साहब से पंगा लिया ना, उसकी तो शादी है आज सिंह साहब से। इनफैक्ट कुछ ही देर में तो फेरे हो जाएंगे और फिर सिंह साहब उसका भी सत्यानाश कर देंगे और फिर विदाई के बाद हम तुम्हारी चमड़ी का ढोल बनाकर खूब पीटेंगे बबुआ, खूब पीटेंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर। करण भाग जा यहाँ से, मेरी बहू को ले आ। जा। ये भागेगा? आज अगर तू नहीं गया तो प्यार सिर्फ एक झूठी कहानी बन के रह जाएगा, इतिहास नहीं। आज अगर तुझे मौत से भी टकराना पड़े तो पीछे मत हटना मेरे लाल। अगर उससे टकराना पड़े जिसने मुझे जिंदगी दी है। अपने बाप से डरता है? बाप से नहीं, तेरी मांग से। पाप भी अगर पापियों के साथ हो तो वो दुश्मन है, इतना समझ ले। ले, पोंछ लिया मैंने सिंदूर। आज अगर तू मेरी बहू को नहीं बचा पाया तो मरते वक्त ये माँ तुझे अपना दूध नहीं बख्शेगी। अरे माँ को हाथ लगाता है, मेरी माँ को। Ah!
बात मेरा यकीन कर ले बेटा, मैं जानता हूँ कि वो शादी कहाँ हो रही है। करने बापू बलवंत, आज तेरी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान का दिन है बलवंत। तेरी पीढ़ी दर पीढ़ियों ने आज तक जितना इस हवेली का नमक खाया है उसके एक एक कण की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। अगर तेरा बेटा हमारे विवाह में रुकावट बना तो तुझे उसकी कीमत उसकी जिंदगी से चुकानी होगी। हुकुम। कसम घुंघरू के झंकार की, आज तक इतनी बेटियों का सौदा किया है मैंने, आज अगर अपनी जान का सौदा करके मैं अगर एक भी बेटी को बचा सका ना तो शायद मैं दलाल से पाप बन जाऊंगा। आज कोई भी गोली तुझे नैना तक पहुंचने से नहीं रोक सकती बेटा, मैं रास्ता बनाता तो कूद जा। बेटा तू कूद जा, कूद जा बेटा, कूद जा, तुझे ढोलू की कसम। सब घुंघरू के झनकार की। मेरा करण आ गया। पंडित जी विवाह की रस्म शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजा। लौट जा, सामने तेरी मौत है। तेरे हाथों में मौत का सामान है तो मेरे साथ मोहब्बत की ताकत। आगे मत बढ़ना, आज कायनात रुक सकती है करण नहीं। तू वफादारी की दीवार पार नहीं कर सकता। इस अंधी वफादारी की दीवार को तो मेरी मां ने अपना सिंदूर पोंछ के गिरा दिया है। ताकि उस पापी का सामना करते वक्त मेरे हाथ कमजोर ना पड़े जो दूसरों की बहु बेटियों को इस ठाकुर की सेज तक पहुंचाता रहा है।
करने का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। तूने मेरे करण का खून बहाया, बस दुआ है तुझे मेरी। आज तुझे तेरे हंस से कोई नहीं बचा सकता। करने मेरे बच्चे ना, बह जाने दे। मेरे शरीर से तेरा गंदा खून बह जाने दे। हुकुम की तलवार बेटे की ढाल बन रही है। हाँ। जिस खून को तेरे नमक ने पानी बना दिया था, आज मेरे बेटे के खून ने उसे फिर से खून बना दिया है। मेरा कुत्ता पागल हो गया है। नहीं, तेरा कुत्ता इंसान बन गया है ठाकुर। अब देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत मुझे रोकेगी। बापू, एक गुलाम ने अपनी वफादारी निभा दी, अब एक बाप अपना फर्ज निभाएगा। जा फतेह कर, जा।
छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। देखो, अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो मर जाओगी। चलिए। कमाल की लड़की हो भाई, अगर मरने का इतना ही शौक था तो पहले बोलना चाहिए था ना। फिर रात को प्लेटफॉर्म पे गुंडों से नहीं बचा था मैं। अरे वहां तो जिंदगी के लड़ रही थी और यहाँ आत्महत्या कर रही थी। मैं आत्महत्या नहीं कर रही थी। वो तो क्या हाँ, ओलंपिक के लिए डाइविंग की प्रैक्टिस कर रही थी क्या? वॉटरफॉल पे खड़ी होके बात करती है। तुम्हारी वजह से मेरी बस छूट गई, पता है? अब दूसरी बस 8 घंटे बाद मिलेगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे आगे पीछे मेरा मतलब है, घर बार कोई हो तो बता देना, ताकि उनसे कह सकूं कि उनकी बेटी शहीद कैसे हुई। देखो रोना नहीं प्लीज, प्लीज लीव मी अलोन, छोड़ दीजिए मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? ओके फाइन फाइन, वैसे है तो सही कोई उलझन? आप जानती हैं आपको रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं। मेरे कर्नल साहब कहा करते हैं कि भूखे पेट तो फौज भी नहीं लड़ सकती, सो शाबी के समझ नीट, खा पी कर फिर मजे से लड़ेंगे। यह हो सकता है कि उसके बाद आपका लड़ने का मूड ही ना हो और दोस्ती हो जाए। I'm Karan Khanna. Captain Karan Khanna, Rajputana Rifles. I'm Sahiba Agrawal, Sector 17, Mal Road, Palanpur. Lijiye. असल में मुसीबत मैंने खुद ही बुलाई है, क्या जरूरत थी मुझे इनकार करने की? आखिर सभी लड़कियों की शादी होती है ना, मेरी भी हो जाती तो क्या गजब हो जाता। अब लौट के मैं ना कॉलेज जा सकती हूँ और ना अपने घर जा सकती हूँ। मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। ए, आप तो सीधे तीसरे पन्ने से 36वें पन्ने पे आ गई, जरा लाइन से बोलिए ताकि हमें भी कुछ समझ में आए। तुम ना समझोगे ना, अब क्या फायदा समझने समझाने का, अब कुछ नहीं होना। बाबूजी तो हाई स्कूल के बाद ही मेरी शादी करना चाहते थे, वो तो बीजी ने उस वक्त बचा लिया, पर ना बीजी इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तेरा सिर फिर गया है योगी, ये क्या उम्र है लड़की की शादी करने की? शादी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? पढ़ूंगी, कॉलेज जाऊंगी। बीजी मैंने फैसला कर लिया है कि लड़की शहर जाएगी, पढ़ाई करेगी ऊंची से ऊंची। मैं परिवार की पहली लड़की हूँ जो घर छोड़कर शहर में पढ़ने गई।
पहली बार मैंने आजादी को महसूस किया, मनाया। पहली बार जाना कि दुनिया सिर्फ मेरा गांव, मेरा घर, मेरा आंगन नहीं है। जैसे खुला आसमान था और मैं आजाद परिंदे की तरह उसमें उड़ना चाहती थी। इंसान का यही तो एक स्वभाव है, जो चीज उसके पास नहीं होती है उसे वही चाहिए होती है। आप आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहती हैं और मैं जल्द से जल्द अपने शहर लौटकर पिंजरे में कैद होना चाहता हूं, बिल्कुल उस पंछी की तरह। यानी कि पिंजरा ढूंढ रखा है आपने? हाँ, मेरा प्यार निशा। खैर छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। अभी तो उड़ने के लिए मैंने पर फैलाए थे, सेकेंड ईयर एग्जाम्स की तैयारी हो रही थी कि बाबूजी की चिट्ठी आई। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी पक्की कर दी थी, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलने वाला था। बस बाबूजी का दोस्त का बेटा है तो हो गया मेरा दूल्हा। मैंने तो उठा के फोन लगा दिया स्वीटी बुआ जी को। ये भी कोई बात हुई? मुझे नहीं करनी थी उससे शादी। ये तो बता कि क्यों नहीं करनी शादी? मुझे दस बुआ जी, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी से शादी कर लेता है, ना जान ना पहचान। पता है मेरी सारी सहेलियों की बॉयफ्रेंड्स है, अच्छी तरह जांचने के बाद ही जिसे ठीक समझेंगी उसे शादी कर लेंगी। हाय मैं मर गई, कहीं तूने उधर कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? क्यों, मैं नहीं बना सकती क्या? खबरदार, तेरे बाबूजी को पता चला ना तो कच्चा चबा जाएंगे। तू ऐसा कर, अगली गाड़ी पकड़ के सीधे घर आ जा। ऐसे कैसे लौटाऊं? माय फ्यूचर इज हियर, कुछ समझा करो बुआ जी। कुड़िए, तू मेरा हार्ट अटैक करा के छोड़ेगी? अरे जल्दी बोल बोल, कहीं तूने शादी वादी तो नहीं कर ली? हाँ कर ली तो। बुआ जी आप समझती है मैं ऐसे लुट गए बर्बाद हुआ है ना, तो सही को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अरे साईं बानी शादी कर ली। अरे भाई साहब रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे शगुन बागुल लेके एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं फोन क्यों काट दिया साईबा ने। मैंने सोचा चलो फिलहाल तो बला टली, आगे की आगे देखी जाएगी। जिंदगी में पहली बार झूठ बोलना पड़ा मुझे, ऐसा अपमान। अपनी औलाद बुरी निकले तो खबरदार, बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलते पुत्र। जिंदगी भर अब मुंह नहीं देखूंगा उसका, मर चुकी वो मेरे लिए। जी आप मतलब? बोल देता हूं बीजी, जिस दिन भी वो मेरे सामने पड़ी जान से मार डालूंगा उसे, गोली मार दूंगा उसे। खत्म हो गए मेरे लिए सब रिश्ते, सोचूंगा मेरी कोई औलाद थी ही नहीं, मर गई साहिबा मेरे लिए। बीजी की तबीयत भी गिरी गिरी सी रहने लगी, हंसते खेलते घर में मातम सा छा गया। सब मेरी वजह से। मेरा ख्याल है साहिबा कि तू जल्द से जल्द अपने पति को लेकर घर चलिया, दामाद जी का मुंह देखेंगे तो शायद भाई साहब गुस्सा थूक देंगे, वरना तो क्या अनहोनी कर बैठेंगे कोई नहीं कह सकता, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पता नहीं क्यों लग रहा है कि सबके होते हुए भी मैं अपने आप को आज अनाथ महसूस कर रही हूं। जिंदगी ने मेरे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपनों के लिए कभी घर के दरवाजे बंद नहीं होते। आप बाबूजी को नहीं जानते। लगता है आप अपने बाबूजी से बहुत डरती हैं। आपको डर नहीं लगता? वेल, हम तो फौजी हैं, ये डर का पार तो हम रोज पार करते हैं। सच्ची बात यह है कि यह पहाड़ जितना बड़ा दिखता है उतना होता नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। अब पूछिए कि मैं आपसे यह बात क्यों कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आप घर वापस जाएंगे। हां, अपने घर वालों को सारी बात ठीक से समझाओगे
जरूर समझ जाएंगे। बाबूजी को समझाने की हिम्मत मैं कहां से लाऊंगी? चलो मैं चलता हूं आपके साथ, आपको घर तक छोड़ने। ये सब आप मेरे लिए किस नाते कर रहे हैं? ओ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। चलो अगर कहूं कि इंसानियत के नाते कर रहा हूं, चलेगा? तो चले। हाँ, साहिबा दीदी, साहिबा दीदी आ गई अपने पति के साथ। सच्चे पाचा मेरी साहिबा आ गई। आजा मेरी बच्ची। रुक जाओ। जैसे आई है वैसे ही लौट जाओ उल्टे पाओ, वरना जाएगी आज जान से, कह देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? साहिबा पहली बार दामाद जी के साथ आई है और आप इस तरह? मैं नहीं मानता, ना मैं इसे ब्याह मानता हूँ, ना इसे बेटी मानता हूँ और ना ही इसे दामाद मानता हूँ। कह दो बीजी, आज से हर रिश्ता खत्म हो गया इसके साथ, अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, क्या पानी पर लाठी मार देने से पानी कट के दो में हो जाता है? चल आजा पुत्र आजा। एक कदम आगे बढ़ा के देख तू, ना गोली मार दूं तो यागवेंद्र गरेवाल नाम नहीं मेरा। चला, मुझ पर गोली चला। बड़ी मर्दानगी दिखाता है ना, ठीक है तो पहले मुझ पर गोली चला। आप बीच में मत आइए बीजी, आप नहीं जानते इस लड़की के लिए क्या क्या सपने देखे थे मैंने, ना मुराद ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया। तो क्या तू इसकी खुशियों और उम्मीदों पर पानी फेर देगा? हो जाएगा इंसाफ। बड़ा आया, होश की दवा कर, जा काम पे जा, वैसे ही देर हो रही है। अरे यहाँ क्या खड़ी हो, जाके आरती का थाल लाओ। कैसा राजकुमार जैसा दूल्हा चुना है मेरी साहिबा ने। योगी सारे संसार में ढूंढेगा तब भी उसे ऐसा नहीं मिलेगा। भाई साहब आपको देर नहीं हो रही है? बेटा अंदर आ, चला। स्वीटी दीदी, कोई कहेगा कि ये अभी ब्याही दुल्हन है, ना गले में मंगलसूत्र, ना माथे पे बिंदी, ना सिंदूर। अरे मोनिका तू नहीं समझेगी, ये मॉडर्न शादी है। कोर्ट में जाके दस्तखत करो शादी, दस्तखत करो तलाक, वो दिन भी दूर नहीं कि दस्तखत करते ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। ओ माय गॉड, रब नु याद ना कर, चल आगे चल। ये आप क्या कर रही है चाची? चुप कर, वो तो ठीक है किसी ने टोका नहीं, वरना एक नई नवेली दुल्हन, सूना गला सूनी कलाई, अच्छी लगती है क्या? पर मुझे ये सब नहीं भाता। पूरी दुनिया भर की लड़कियां जेवर लादकर खुश होती हैं, और एक तुम हो जो दो चूड़ियां नहीं पहन सकती। You're beautiful, isn't she करण? करण, तुम्हारे भी बहुत उपकार है हम पर जो साहिबा के साथ चले आए, वरना हमें तो लगा था हम साहिबा को खो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे खो देंगे, आइए। इतनी खूबसूरत भतीजी खोने के लिए नहीं पाने के लिए होती है, और वैसे भी अपनी कोई औलाद नहीं, हमने सोचा इसी से काम चला लेते हैं, क्यों पापा? बेटा तुम्हारे आने की खुशी में एक लवली लवली हो जाए। लवली 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 मतलब नो रानी, पहली बार दामाद जी आए हैं, एक लवली लवली हो जाने में क्या उनको आराम करने दो ना, बाद में लवली लवली हो जाएगा। अच्छा तुम मैं फंस गया। अब बोलो, तुम ही नहीं समझाने आए थे ना? कोई बात नहीं, मौका मिलते ही सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, यू आर लकी गर्ल। ओह
कमजोर लग रही हो। करण, तुम्हारे माता पिता? जी नहीं है। मतलब? अनाथ हो। ओ, तो मतलब ये कि ना कोई आगा ना पीछा, ना भूतकाल ना भविष्य। कोई कामकाज करते हो या? जी, फौज में कैप्टन। हमारे इस करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बेटी साहिबा है, ये तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। आपने बताया, मालूम हो गया। ये तो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है योगी? बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ बीजी। इस लड़के ने मेरी बेटी को सिर्फ दौलत की खातिर फंसाया है। ऐसी बात नहीं है बीजी, पाजी गलत समझ रहे हैं। चुप कर, बड़ी पढ़ लिख कर अकलमंद बनने निकली थी। तेरी 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई का यही नतीजा है कि एक आवारा लड़के की चिकनी चोपड़ी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली? ऐसा कुछ नहीं हुआ है बाबूजी, तुम बोलो ना। वो किस मुंह से बोलेगा, उसकी आंखों में तो करोड़ों का सपना झूल रहा है। आप किसी को जाने बिना उसके बारे में बुरा भला कैसे कह सकते बाबूजी? अगर एक लफ्ज भी और बोला तो। ये अचानक दौलत का गुरूर तेरे दिल में कहां से आ गया योगी? ये बेटी की भलाई का ख्याल है बीजी, जो हर बाप के दिल में आना चाहिए। मैं इस लड़के का यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। भाई साहब, शादी ब्याह कोई रेत पर खींची हुई लकीर तो नहीं कि जब चाहे उसे मिटा दे? पत्थर पे खींची हुई लकीर होगी तो उसे भी मिटा दूंगा। बोल लड़के, अपनी कीमत बोल। बोल, अब बोलता क्यों नहीं? बस कर योगी, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मेरी इन आंखों ने। निभाने वाले और होते हैं, छोड़ के जाने वाले और होते हैं। होंगे, पर ये लड़का एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा, देख लेना। देखने की जरूरत नहीं, रिश्ते ऊपर वाला खुद बनाकर भेजता है। ये क्या बिना वजह मुसीबत मोल ले ली? सच बता देते और छुट्टी पाते। अरे भाई, मौका ही नहीं मिला, तुमने देखा तो सही। इट्स इनफ, तुम आज यहां से चले जाओ। और कल? कल सबको क्या बताओगी? वो तुम्हारा पति कहाँ गायब हो गया? कल की कल देखी जाएगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मार देंगे तो मार दे। अरे अरे अरे, ये अचानक जान लेने देने की बात कहाँ से आ गई? देखिए, अभी अभी आपकी बीजी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हम साथ निभाने वालों में से हैं, छोड़ के जाने वालों में से नहीं। अरे भाई, कहाँ खींचे लिए जा रही हो? आइए तो सही। क्या है? आज से हम इसी कमरे में सोएंगे। इस कमरे में? अपने कमरे में क्यों नहीं? क्योंकि वो कमरा है ना, वो साहिबा और दामाद जी को दिया गया है। क्या बेहूदगी है, उनके लिए तो हर कमरा बराबर है, फिर मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल क्यों किया जा रहा है? अजी, आज उनकी पहली रात है ना हमारे घर में, तो सबसे अच्छा कमरा उन्हें दिया जाएगा। जैसे कि आप कुछ समझते ही नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता। पहले वो लड़का मेरे घर में घुसाता है, फिर मेरे कमरे में घुसाता है, यानी ऊंट तंबू के अंदर और तंबू वाला तंबू के बाहर। वाह, बहुत खूब। हाँ ठीक है, पहली रात है, दे दो दे दो। बहारो फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया है, तेरा महबूब आया। अरे दरवाजे पे खड़ा होने से काम नहीं चलेगा, अंदर आइए। पर ये सब पहली रात है ना, चल चल चल। शर्मा रहा है बेचारा, बहुत शर्मिला टाइप का है। होता होता हमारे साथ ही पहली रात ऐसे ही हुआ था। हाँ। कैसी राम सीता की जोड़ी है, किसी की नजर न लगे। लो बेटा, ये शगुन है, आज पहली रात है ना, मना नहीं करते। लो, चल कम्मू। जी बाजी, चल आ। वाकई में क्या लवली लवली जोड़ी है, चल बैठ। मैं तेरे को बताता हूँ कि पहली रात को क्या क्या करते हैं। मैं मर गई। ये क्या करो तुम लोग यहाँ पे? प्लीज छोटी मामी, आज पहली रात है तो हम जीजा जी और दीदी के साथ सोएंगे। सनी बॉब, देखो यहाँ से मूव करो, नहीं तो मैं पीटूंगी। चलो 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 चलो, सब चलो चलो। कितना पतला है ये।
हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जहाँ पे खटिया मिली वहीं पे हम सो लिए, हम हैं राही प्यार के। And tell me, where is Simran? Where is Simran? Hey, shut up, my wife. Oh, bhai. Simran, darling, bottle yahi le aao, aaj yahi baithenge. Kyun? Aaj pehli raat hai, bhai. Bhai sab theek keh rahe hain. यही महफिल जमेगी, यही हम सब लोग लवली लवली करेंगे, खुला खाएंगे, खुला पिएंगे और खुले पैर फैला के सो जाएंगे। अरे तुम लोग कब समझोगे, ये कब करेंगे आराम और कब करेंगे अपना प्रोग्राम। क्या बात है साली साहब, अरे प्रोग्राम है तो फिर बैठ जाएंगे और लेट जाएंगे। शुरू करो प्रोग्राम। आई लव यू, आई लव यू फॉर दिस, आई लव यू, माय प्रोग्राम इज। चलो चलो वाइफ अपना भी। दीदी इसको ले जा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तुम भी चले और तुम भी बैठे रहोगे, तुम भी करो अपना प्रोग्राम। चलो उठो, चलो चलो बच्चों, चलो सोने, चलो चलो। कमाल के हैं, पागल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए, मेहमान हैं आप यहीं पर सोइए। जाने जा हुस्न जवां जवां तेरे लिए। चुवारी वाला तू थे, एक ही सांस में गटक जाना शक्तिया लड़का होगा। हाँ तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल यहाँ बैठना अपने हीरो के साथ। क्या गुजरेगी इन पर जब कल मैंने बता दूंगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता, आई मीन वैसा कुछ है नहीं। कल बात करेंगे। गुड नाइट। साहिबा आंखें शक के तो बड़ी लालशाल हो रही है, लगता है दामाद जी ठीक से सोए नहीं रात भर। क्यों? वो क्या है बुआ जी, जो आप लोग समझ रहे हैं साहिबा और मेरा रिश्ता ऐसा है नहीं। अरे ऐसा नहीं बोलती बेटी, वो आपके लिए पिता समान है। अगर उन्होंने दो बातें गुस्से में बोल भी दी तो इतने से ही क्या आप रिश्ता नहीं मानेंगे? शेयर कर लेना, चल ना। अरे रे ओ आओ जी आओ, कैप्टन साहब वेलकम वेलकम वेलकम। आज तो आपके चेहरे पर वही इंटेंसिटी है जो नसीरुद्दीन शाह के चेहरे पर फिल्म वो सात दिन में थी। हाँ ओ जी महाराज, आज लगता है सारी रात सोए नहीं। करण ही है, शाहरुख से तो आप मिल चुके हैं, वो सामने सचिन तेंदुलकर बैठा हुआ है, उसने कल डबल सेंचुरी मारी है इसलिए डबल बोनस इसको। वो कौन सी पिक्चर थी जिसमें अमरीश पुरी सुबह सुबह सारे कबूतरों में दाने बांटता रहता है, कौन सी थी? हाँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लो जी दिल वाले तो दुल्हनिया ले गए, अब क्या है। जी मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, और यहाँ कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। मैं लेता हूँ सीरियसली यार, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। जी मैं, जो आप लोग मुझे समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है,
ओ आप पाजी के एंग्री मूड को रिएक्ट कर रहे हो यार। पाजी जितना बाहर से गुस्सा दिखाते हैं अंदर से उतना ही प्यार करते हैं यार। पाजी ऐसे ही हैं। वो बात नहीं है। देखिए जो आप समझ रहे हैं मैं वो हूँ नहीं। साहिबा और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। You mean you don't believe in traditional marriage? Oh, there is one more couple which does not believe in traditional marriage. Oh, Simran, oh, suna tumne? They are like us, no pati patni, but just like lovers, like Shiri Farhad, like Sasi Punnu, like Romeo Juliet. I know. सिर्फ साथ फेरे लेने से ही पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनता। दिल मिलने चाहिए। Yes. है ना करण? अब सब गलत समझ रहे हैं। नो प्रॉब्लम। तुम्हारा दिल क्या समझता है दैट्स इंपॉर्टेंट। दुनिया क्या समझती है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हु केयर्स? व्हेन आई फर्स्ट टाइम सॉ सिमरन इन टोरंटो आई थिंक वाज इट इन अरे मेरी बात तो सुनो यार। वाज इट इन अ बुकशॉप? वो चला गया। एंड नो इट वाज इन अ रेस्टोरेंट। कमाल के लोग हैं। कोई समझता ही नहीं है। क्या हुआ? देखो वो सब जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, पर वो सब मुझे वो समझ रहे हैं जो मैं हुई नहीं, और वो है जो समझना नहीं चाहते। आप मुझे समझाओ, मैं समझता हूँ जीजा जी। जीजा जी क्या हुआ कैप्टन, फंस गए ना? ए जल्दी आ जाओ ना, अब और इंतजार नहीं होता हमसे। प्लीज गाइए ना। प्लीज क्या देख रहे हो? हाँ वहां हजारों बिखरे सितारों के बीच चमकते उस सितारे को। कौन सा? वो ध्रुव तारा। ये तो मेरे शहर से भी दिखाई देता है। अच्छा सुनो, जब मैं इसे अपने शहर से देखूंगा तुम भी इसे यहां से देखना। चलो इसी बहाने कुछ तो रिश्ता बना रहेगा तुम्हारे मेरे बीच में। जा रही हूं। बट डोंट वरी, अभी जाके बाबूजी से बात कर लेता हूं और उन्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। ओके क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ दुनिया का दस्तूर भी कितना निराला है। कोई कुछ खोता है तो कोई पाता है। एनीवे गुड लक कैप्टन। करण आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू। ये क्या मजाक लगाया हुआ है? जब जी में आया मुंह उठाकर चले आए और जब जी में आया वापस चले जाओगे? आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? लेकिन अभी तो ये चाहते हैं ना कि मैं साहिबा को। मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता ये तो मुझे मत समझाओ। बाबूजी, बाबूजी अब अभी भी गलत समझ रहे हैं बाबूजी। क्या गलत समझ रहा हूँ? एक लड़का मेरी बेटी के साथ आता है और कहता है उसका पति है। मेरी बेटी के साथ आकर मेरे घर में रहता है, मेरी बेटी के कमरे में उसके साथ रात गुजारता है और अब कहता है मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलो आखिर ये है क्या? बोलो सच क्या है बोलो। बाबूजी अभी क्या करें, प्यार जताने का ये तरीका? You shut up! ये क्या आवाजें आ रही हैं? कौन झगड़ रहा है वहाँ? भाई साहब, पीजी भाई साहब झगड़ रहे दामाद जी के साथ और दामाद जी घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। पीजी भाई गुरु, करण घर छोड़कर क्यों जा रहा है? अरे मियाँ बीवी में कोई छोटी सी बात हुई होगी और भाई साहब है कि बाप का मतंगड़ बना रहे। पीजी करण राजा पुत्र, पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुननी मुझे, कोई बात नहीं सुननी, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने यहाँ से जाने की बात भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण, 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 नहीं, तू घर से ना जा, मेरी साहिबा को छोड़कर ना जा पुत्र। वो नादान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं मैं बीजी, 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 क्या हुआ आपको? बीजी हाथ मत लगा, मैं मर जाइए। आप डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। डॉक्टर घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? करण का एहसान मानिए गरेवाल साहब, ठीक वक्त पर सीपीआर देकर उसने बीजी को मौत के मुंह से बचाया है। इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक। अभी भी बीजी की हालत बहुत नाजुक है, पूरी तरह ख्याल रखिएगा कि इन्हें कोई भी सदमा ना पहुंचे, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जब तक बीजी ठीक ना हो जाए
कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे? थैंक यू यार। पीजी करण, 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 पीजी पुत्र ना जा, मेरी मेरी साहिबा को। कौन जा रहा है पीजी? नहीं जा रहा हूं मैं, नहीं छोड़ के जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप बस आराम कीजिए। हाँ क्या मांगा करण? अपनी रिहाई? तुम्हारी खुशियां पूरी होंगी? सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। साहिबा साथ में चलना है तो कदम मिला के चलो, वरना पीछे रह जाओगी। मेरी वजह से ना रुको, तुम चलो। तुम्हारी वजह से? अब तो बीजी की वजह से रहना पड़ा। बस बीजी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर मैं भी चलूंगा अपनी मंजिल की ओर। अब इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। किस बात का डर है साहिबा? इस डर को अपने मन से निकाल दो, कभी ना कभी तो सच का सामना करना ही पड़ेगा। ये कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही हैं आप? दवा नहीं खाएंगी तो अच्छी कैसे होंगी? तो अच्छा किसने होना है? मैं चंगी हुई नहीं कि मेरे दामाद ने चले जाना है। ओफ, 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 बीजी, मेरी कसम, दवाई खा लो, दवाई। मैं नहीं खा। नहीं बीजी, मैं अपनी कसम दे दूंगी। हाँ। सोच लो बीजी, अगर आपने ये दवाई नहीं खाई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। दीजिए पानी। चलिए मुंह खोलिए। तेरे हाथ से तो मैं कुछ भी खा लूंगी, ला खिला दे। अरे वाह मम्मी, हम लोगों ने इतना कहा, आपने तो एक नहीं मानी और दामाद जी की तो फौरन सुन ली। ये मेरा दामाद ही नहीं, मेरा बेटा है। After all, he is my buddy, यार। वाह, क्या बात है। पुत्र बॉडी वॉश तो करा ले। नहीं, मैं साहिबा दीदी से बॉडी वॉश करवाऊंगा। अरे रे रे रे। तो क्या बात है कर्नल साहब, आज सुबह सुबह नंगे पंगे माँ से पंगा ले रहे हो? अरे देखो दामाद जी, ये पॉटी वॉश नहीं करा रहा, तंग कर रहा है नॉटी बॉय। कोई बात नहीं बॉडी, आज मैं वॉश करा देता हूँ। चलो। मम्मी पानी बहुत ठंडा लग रहा है। क्यों, मजा आ रहा है? अभी से प्रैक्टिस कर लो। क्यों साहिबा? पर देख लेना, तुम लोगों के पहले बेटा ही होगा। अरे मुझे तो बेटियां चाहिए, और वो भी एक नहीं, तीन तीन। तीन तीन? Oh my God, so fast! अरे ऐसी कैसे बेटियां होंगी जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अच्छा करण, एक बात बताओ, तुम्हें बेटियां कैसी चाहिए? मुझे पहली तो बिल्कुल बीजी की तरह, मस्ती भरी आंखें, हंसने का अंदाज बिल्कुल फुलझड़ी जैसी। हाँ। फुलझड़ी? और दूसरी फुलझड़ी? दूसरी बिल्कुल माँ और सिमरन जी जैसी। हाँ, शांत, फूलों की तरह, जहां से भी गुजरे अपनी खुशबू फैलाए। और तीसरी? तीसरी, तीसरी तो मेरी जान होगी, बिल्कुल मोनिका और स्वीटी बुआ जी जैसी। हाय हाय, क्या किया? किसे जी पे सुसु कर? अरे बेशरम। चलो चलो, अच्छा अच्छा शगुन है, गुड लक, बेटियां ही होंगी। हाँ देखो, आपके कपड़े खराब हो गए, जाइए बदल लीजिए। तू यहाँ क्या कर रही है? कपड़े कौन देगा? जाना जाना। हाँ क्या किया ये बेशरम, इतना बड़ा हो गया? हाँ जीजा जी पे सुसु कर। बच्चे आपसे कितने घुल मिल गए हैं?
बहुत तंग करते हैं ना? नहीं तो, इस प्यार का अपना ही मजा है। अच्छा? पता है साहिबा, भगवान दिलों के रिश्ते पहले से ही जोड़ लेता है, बस एक दूसरे से मिलने की देर होती है ना? तुम्हें लगता है ये सच है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अच्छा है तुम्हें अपना जीवन साथी तो मिला। Don't worry, मैं तुम्हारा भी जीवन साथी खुद ढूंढ ले आऊंगा। वैसे तुमने कभी कहा नहीं है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? आई मीन जिसे तुम शादी करना चाहती हो, वो मेरे जैसा लंबा होगा या छोटा? छोटा। छोटा। उसका रंग तो मेरे जैसा होगा ना? नहीं? सांवला? गोरा। गोरा। और उसके बाल? उसके बाल सीधे होंगे या घुंघराले? घुंघराले। सॉरी कैप्टन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर करण, तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। मुझे जिसके लंबे घने बाल हो, जिसकी गजरारी आंखों के आईने में सिर्फ मैं नजर आऊं, और उसका दिल बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। हाँ। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? दो चार साल के लिए। हाँ? मेरा मतलब है दो चार दिन के लिए। साली साहिबा, इससे दो चार दिन आराम तो मिलेगा। कुछ भी इतनी बुरी लगती हो तो मत आना बैग, मेरे भाई लोग मुझे रख लेंगे। मोनिका, जन्म जन्म का साथ है। हाँ करण, जरा मुझे स्टेशन छोड़ दो, ट्रेन का टाइम हो गया। साहिबा जा, तू भी चली जा, वापसी में करण को कंपनी शंपनी हो जाएगी। कबाब में हड्डी, यही रहो। इसका साइज देखा है, कबाब में हड्डा। भाई साहब, ग्रेवाल इंडस्ट्रीज की छतरी तले ये हमारा 22वां कारखाना खुल गया, साहिबा केमिकल्स। बधाई हो। तुम्हें भी रौनक, हम जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार और बच्चों के लिए ही तो करते हैं। दैट्स राइट। एक्सक्यूज मी सर। आओ भंडारी आओ। सर, शुगर मिल्स के आपके शेयर्स का ट्रांसफर डीड मैंने बना दिया है। अच्छा, ट्रांसफर डीड? जी, रौनक जी ने अपने सारे शेयर्स साहिबा बिटिया के नाम कर दिए हैं। रौनक भाई साहब, मैंने आज तक शादी का तोहफा नहीं दिया साहिबा को, और फिर जो कुछ मेरा है कल उसी का तो होगा। After all, she is my daughter. मेरी भी तो बेटी है वो। अंकल जी के जाने से उदास हो? हाँ? नहीं तो? अब तो मुझे भी जाना होगा, पीजी भी अच्छी हो गई है। क्या कहती हो? मैं? जो तुम ठीक जानो। Will you miss me? मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करोगी ना? याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भुला पाते हैं। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम्हारी क्या, बीजी की, घर के सभी लोगों की। कभी कभी लगता है कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो? मत ना जाओ। पर जाना तो पड़ेगा। क्यों? वहां निशा मेरा इंतजार कर रही होगी ना साहिबा? ये अचानक मौसम को क्या हो गया? ये कुदरत क्या चाहती है? साहिबा, उधर एक घर है, चलो वहां चलते हैं। तुम भीग रही हो साहिबा। तन की भीगने की इतनी फिक्र है करण, और मेरा मन जो पूरी तरह भीग चुका है वो क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? बारिश का पानी भी अजीब होता है, छूता है तो ऐसे लगता है किसी ने अंदर चिंगारी लगा दी हो।
अरे आप लोग बाहर खड़े भीग क्यों रहे? अंदर आ जाइए ना। अरे सुधा देखो भाई कौन आया है। कोई हिरन का नया जोड़ा आया है क्या? अरे नहीं बाबा, हिरन का जोड़ा नहीं, बल्कि सावन के हमारे पहले मेहमान, एक भीगी सी परी और एक भीगा सा राजकुमार। शी इज माय वाइफ सुधा। नमस्ते। बाय द वे आई एम प्रणय। ओह करण साहिबा। हाउ स्वीट। अरे आप तो एकदम से भीग गई। चलिए कपड़े बदल लीजिए, कहीं सर्दी ना लग जाए। आइए ना। हाँ प्लीज 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 आइए। प्रणय। हाँ। बाय द वे इनको भी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना? अरे हाँ। चलिए प्लीज आइए 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 आइए। बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाते हैं आप। थैंक्स। और मेरी वाइफ सुधा अपने प्यार के रंगों से ये तस्वीरें बनाती है। हाउ नाइस। हैव अनदर ड्रिंक, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। नो थैंक यू। अरे ये आगे काफी है। कम ऑन यार कम ऑन। सिर्फ बाहर की आग काफी नहीं है दोस्त, कुछ अंदर की आग का भी इंतजाम करिए, वरना कुछ देर में इस मौसम में आपकी कुल्फी जम जाने वाली है। बस 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 अभी बातें ही करते रहोगे या इनको आराम करने का मौका भी दोगे? Why not? इन्हें भी करने देंगे और हम तुम भी करेंगे, क्या कहती हो? किसी चीज की जरूरत हो तो हम साथ वाले कमरे में ही हैं। चलो भी अब। प्लीज। कितनी अजनबी सी रात है पर है खूबसूरत। कमाल का तूफान आया यहां, कुछ ऐसा ही तूफान मन के भीतर उठता है साहिबा। ऐसे ही कोई बिजली कलेजा काटे डालती है। मत करो ऐसी बातें करण, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम प्यार किसी और। तुमने कुछ कहा? हाँ? ये प्यार भी अजीब नशा होता है साहिबा, जिसके सामने दुनिया का हर नशा फीका लगता है। लोग प्यार को कहां कहां तलाश नहीं करते, पर प्यार प्यार अपने आशिकों को खुद ढूंढ लेता है। हेलो। हाँ? पहचानिए मुझे, मैं हूं आपका प्यार। प्यार कभी कभी दूर होके भी इतना पास होता है। और कभी पास होके भी कितना दूर कि मन उसे देखने के लिए इतना तरसता है जैसे जैसे तपता रेगिस्तान बारिश की पहली बूंद को तरसता है। कभी बाढ़ की तरह आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। कभी ओस बन कर गिरता है, सब डूब जाता है, पर प्यास नहीं बुझती। ऐसा अनोखा होता है प्यार। कभी एक अजीब सी भूख बन जाती है, कभी एक हसीन सा दर्द, कभी ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ पा लिया और कभी सब खो दिया। खैर छोड़ो,
तुम नहीं समझोगी ये बातें। प्यार को प्यार में पड़े बिना समझा नहीं जा सकता। एक हसीन लड़की क्या बात है, उसके घर की खिड़की क्या बात है, बात। कितनी आसानी से सब कुछ कह के मन को शांत कर लिया, और यहां इस दिल में ये दिल यही होता ना जी, तो क्यों जब भी धड़कता है तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है, क्यों क्यों जब मैं तुम्हें देखती हूं तो सांसें थम सी जाती है, वक्त रुक सा जाता है, क्यों 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 तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें सिर्फ प्यार करने को जी जाता है, सिर्फ प्यार, क्यों 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 कौन? I love you, करण। ऐसी कोई बात नहीं थी करण, वो तो बस सारा दिन भर कुछ खाया नहीं था इसलिए एसिडिटी की वजह से वो स्वीटी बुआ ने सारी बात का पतंगड़ बना दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, तुम अभी जाके सबको बता दो कि मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, बस पहचान है, सिर्फ पहचान, सिर्फ पहचान। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ करण, उलझती जा रही हूँ, अब ना कोई मेरी बात पर यकीन करता है और ना तुम्हारा। सॉरी करण, आई एम सॉरी। हाँ क्या तुम्हारा साहिबा, मगर अभी से माफी मत मांगो, क्योंकि आगे चलकर इसी हक का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें। करण, जानती हो साहिबा, सूरज के डूबने पर जब कमल की पंखड़ियां बंद हो जाती हैं, तो कभी कभी पराग के रस में खोया हुआ भंवरा उन पंखड़ियों में कैद हो जाता है। हैरत की बात है ना, भंवरा जो सख्त से सख्त लकड़ी को काट के फेंक देता है, कमल की कोमल पंखड़ियों को नहीं काट पाता। मैं भी ऐसे रिश्तों में उलझ कर फंस गया हूं, अब इन्हें काटना मेरे बस की बात नहीं है। मुझ जैसे अनाथ को किसी परिवार से इतना प्यार मिलेगा मैं सोच नहीं सकता था। अपनापन सहने की आदत नहीं है ना साहिबा, और अब उसी परिवार के लोगों का दिल तोड़ो, ये बापुत से नहीं होगा। बस इसीलिए एक ही काम रह गया करने के लिए, और उसके बाद तुम जी भर के मुझे कोस लेना, कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो करण? मैं भगोड़ों की तरह इस घर को छोड़ के भाग रहा हूं। तुम्हारी मुश्किलें हल करने का जो वादा तुमसे किया था, वो वादा मैं आज तोड़ के भाग रहा हूं। कमल की पंखड़ियां अभी भी थोड़ी बहुत खुली हुई हैं, वो भी बंद हो गई, तो क्या करूंगा मैं, बोलो। ठीक है तू करण,
ठीक कहते हो तुम, आखिर तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो है। कब तक उसे छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीते रहोगे तुम? बीजी के कागजात तुम्हारे नाम करती हैं। जिंदगी में जब भी तुम सच का सामना करोगी तो ये खुदा तुम्हारे साथ होगा। याद रखोगी ना? तो आखिर तुम हमें छोड़कर जा ही रहे हो कैप्टन? हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? नहीं रौनक पापा, आपके प्यार का कर्ज मैं सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन मेरी भी अपनी कोई मजबूरी है। सॉरी। प्यार से बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? ये भी हो सकता है कि ये मजबूरी प्यार की हो। नहीं कैप्टन, मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि साहिबा से तुम प्यार नहीं करते? जी नहीं, आई मीन उस तरह नहीं। साहिबा और मेरा रिश्ता। साहिबा को तुमने किस हाल में ला छोड़ा है, कभी ये सोचा है तुमने? जी, लेकिन वो पहले से ही जानती है कि मेरी मंजिल कहीं और है। मैं प्यार किसी और से करता हूं। यू आर इन ट्रबल कैप्टन, यू आर इन ट्रबल। जरा गौर से देखो अपने दिल में, क्या है इसमें? टेल मी क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी तो नहीं। आर यू श्योर? कम से कम जान के तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनजाने में पैर फिसल जाए तो क्या चोट नहीं लगती? दुगनी चोट लगती है। Come with me. Today I will tell you something. देखो, मैं इन पंछियों से बहुत प्यार करता हूं। मैंने यहां लाया, पिंजरे में रखा और अपने प्यार के दाने इन्हें डाले। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इन्हें प्यार करता हूं तो मुझे इन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। मैंने इन सबको आजाद छोड़ दिया। शाम को सब पंछी वापस अपने अपने पिंजरों में आ गए। आज मुझे लगता है कि जब मैंने इन्हें आजाद छोड़ दिया था तो मुझे इन पिंजरों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए थे, ताकि कभी वापस ही नहीं आ सकते, कभी नहीं। इंसान किसी से इतना प्यार करता ही क्यों है यार? Anyway, if you have decided to go, you are free to go. Please go. करण, मुझे छोड़कर मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ, सच देखो, देखो तुम्हारा प्यार मेरी नस नस में दौड़ रहा है। मैं जीना चाहती हूँ, सांस लेना चाहती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जुताई में देखो क्या हाल हो गया मेरा। बहुत प्यार करती हूं।
जानती है लड़की, तू ये क्या कह रही है? सच। सच? इतना बड़ा धोखा? उसे कोई धोखा नहीं किया है, ना मेरे साथ ना आप लोगों के साथ। धोखा नहीं किया है? धोखा नहीं किया है? अरे आग लगा गया है मेरे घर में और तुम कहती हो धोखा नहीं किया है? अगर दोबारा जिंदगी में वो मेरे सामने आ गया ना तो जान से मार डालूंगा मैं उसे, जान से मार डालूंगा। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, क्या हुआ कोई सपना देखा? हमसे पूछो तन्हा रहना कैसा लगता है, हम तो पागल। तुम्हारी मंजिल आ गई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई साहब वो तेजेश्वर सिंघाल जी आए हैं। अंदर ले आओ उन्हें। जी। ये क्या ठीक होगा कि इतनी जल्दी साहिबा का रिश्ता सिंघाल के बेटे के साथ तय कर दें? अब तक घर की बात घर में है बीजी, इससे पहले कि जगह सही हो। ठीक है ठीक है, जो मर्जी आए करो। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बस फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। नमस्ते प्राजी। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हो तेजेश्वर? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पैरी पहना बीजी, पैरी पहना। आप उठिए मत बीजी, उठिए मत, उठिए मत। दौरे पे निकला था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी हैं आप? बस पुत्तर, इस उम्र में तो यूं नरम गरम लगा ही रहता है। एक जिम्मेदारी बची है कि अपने जीते जी साहिबा को रुखसत कर दूं इस घर से, अगर तू हां करे तो। अरे कमाल करती हैं आप बीजी, शुभ काम में देर कैसी? बुलाओ महंत जी को, शादी का मुहूर्त अभी निकाल लेते। हरिओम। हरिओम। ये बिल्कुल शिव विवाह का योग है, इससे अच्छी तिथि इस पंचांग में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे अभी तो 6 दिन है यार मेरे, मैं तो 3 दिन में बारात ला सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है तेजेश्वर। मुबारक हो। आज से मेरा बेटा विकी तुम्हारा और तुम्हारी साहिबा बिटिया हमारी। ये लो। अरे गले मिल यार। मुबारक हो मुबारक हो। ये शगुन कन्या की झोली में डाल दीजिए। जीती रहो बेटी। हाँ ये कपड़े गाड़ी में रख दो। जी मैडम। नमस्ते साहब। निशा। करण? Oh my God! Oh my God! I'm so happy to see you. मुझे यकीन ही नहीं होता तुम वापस आ गए। I can't believe it. याद आती थी मेरी? याद? पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा? और पता है कितनी देर कर दी तुमने? It's almost a year. मैं तो जल्दी आ जाता, लेकिन अचानक रास्ते में एक लड़की मिल गई। साहिबा। कैप्टन। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं हो गया ना उस लड़की के साथ? मुश्किल में थी। जब मैं उसे उसके घर छोड़ने गया तो उसके परिवार वालों ने मुझे उसका पति समझ लिया। तुम जानती नहीं मैं वापस कैसे आया हूं। साउंड्स इंटरेस्टिंग। यू नो निशा, ऐसा लग रहा था कि मेरे जिंदगी के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया गया है और मुझे कहा जा रहा है देखो उस मोड़ को, तुम्हें वहां मुड़ना है। क्यों, क्या था उस मोड़ पे?
उस मोड़ पे मेरा घर था, या यूं कहो कि एक ऐसी जिंदगी जहां कोई मेरा नहीं था पर सब अपने थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ वो सैम। ओ सैम शूटिंग पे गया है, शाम तक आ जाएगा। निशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। एक्सक्यूज मी मैडम, यू आर गेटिंग लेट, बार बार फोन आ रहा है, वहाँ शूटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आई एम कमिंग, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन शाम को मिलेंगे। अरे हाँ, आज शाम को पार्टी है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। बाय करण। बाय एंड वेलकम बैक। साहिबा, अंधेरे में इंसान पल दो पल के लिए ठहर तो सकता है, आराम कर सकता है, पर जिंदगी जी नहीं सकता। जीना, कैसा जीना? नहीं करते ऐसी बातें, तूने हारी हुई बाजी खेली ही क्यों? उसे प्यार किया ही क्यों? प्यार, प्यार पर किसका बस चलता है? वो तो बस हो जाता है। वो मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आया और मैं सूखे पत्ते की तरह उसके साथ होली। बस जिंदगी हादसों से ठहर नहीं जाती, वक्त वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे करण की याद तेरे दिल से मिट जाएगी। करण की याद मेरे दिल में यूं बसी है जैसे किसी मंदिर में देवता की मूरत। भला बिना देवता की मंदिर किस काम का? बस कर, बंद कर दे ये दिल के खिड़की दरवाजे, अब वो नहीं आने वाला। वो आएगा जीजी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा, आके मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा आई एम कैप्टन करण, राजपूत राइफल रेजिमेंट आन। ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। Excuse me. Thank you. Here you are. क्या देख रहे हो? खुश हो? तुमने बताया नहीं ये पार्टी इस खुशी में। That buddy is the surprise. Hi. Hi. Actually, you know. Karan. Samir. Hey, buddy. Welcome home. Back. Once again, we are together, huh? Sam, why are you late? Sorry, same business. Oh my God, you're looking great. Seriously, I'm zap. Thank you, darling. Love you. अरे क्या हुआ करण? नहीं, कुछ नहीं। जानू तुमने करण को बताया नहीं कि हमारी शादी हो गई है? यही तो सरप्राइज देना चाहती थी। Actually, I was waiting for you, Sam. अरे देखते ही रहोगे या मुबारकबाद भी दोगे हमको? अरे तू भी किस दिन आया यार? आज तो आया और कल हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। एंड यू नो निशा इज द फर्स्ट इंडियन मॉडल टू बी सिलेक्टेड फॉर द फोर्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हाय सैम। ओह हाय। ऑल सेट फॉर टुमारो। या ग्रेट अचीवमेंट निशा, कांग्रेट्स। थैंक यू।
यहाँ क्यों चले आए करण? क्या हुआ करण? मेरी तरफ देखो। ओह माय गॉड, कहीं तो मुझसे सॉरी, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तो दोस्ती समझती रही। दोस्त था, दोस्त हूं और हमेशा दोस्त रहूंगा। दोस्ती के नाते मेरी एक बात सुनो, अगर किसी से प्यार करो तो फौरन उसका इजहार कर दो, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। हम लड़कियां पेड़ की बेल की तरह होती हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है, जहां करीबी सहारा मिला उसे थाम लेती है। मुझे सैम में वही सहारा मिला है, वही सहारा मिला है। मैं हार गया, ऐसा लगता है मैं सब कुछ हार गया। नहीं करण, नहीं, this is not the end। तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम जानते हो, कुदरत ही हमें रास्ता दिखाती है, जिस पर चलकर हम जिंदगी जीते हैं। कहीं कोई खोता है, तो कहीं कोई पाता है। यही दुनिया का उसूल है। Promise me, करण, that you'll move on। Promise me। दुनिया का दस्तूर भी कितना निराला है, कोई कुछ खोता है तो कोई पाता है। ये तो मेरे शहर से भी दिखाई देता है। अच्छा सुनो, जब मैं इसे अपने शहर से देखूंगा तुम भी इसे यहां से देखना। चलो इसी बहाने कुछ तो रिश्ता बना रहेगा तुम्हारे मेरे बीच में। प्रभु इन्हें सदैव खुश। आओ साहिबा, आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। भगवान आपका कल्याण। आइए मान जी, चलिए। आइए मान जी, विधि शुरू करें। जी अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहने। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। आप सबने, अब ये एक नई कहानी बना रही है कि हमारे तेजेश्वर का बेटा विक्की खूनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा बीजी, और सारी दुनिया सारा जहान छोड़कर वो सीधा तेरे पास चला आया तुझसे शादी करने के लिए। ऐसी उलझुलूल कहानी पर कौन यकीन करेगा? पर बाजी, ऐसी उलझुलूल बातें भी तो इस दुनिया में हो सकती है ना। हो सकता है साहिबा को वो चेहरा। तुम चुप करो रौनक, सीधी सी बात है, ये विक्की से शादी करना नहीं चाहती। हम खा उल्टे सीधे बहाने बना रही है ये। मैं सच कह रही हूं बाबूजी। क्यों नहीं, रास्ते पे चलते किसी आदमी को उठा लाई कि ये मेरा पति है, वो भी सच था, और अब जो पति बनने जा रहा है उसे खूनी करार दे रही है, ये भी सच ही तो है। बीजी मैं अमृत, इस लड़की से पूछ आखिर ये चाहती क्या है, क्यों हमारे खानदान को जलालत के कुएं में ढकेल रही है ये। तू एक काम क्यों नहीं करती, मुझे जहर दे दे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं इस शादी को कोई नहीं रोक सकता।
क्या हो जाता है तुम्हें, वो लाश कहीं भी फेंक फांक के छुट्टी कर देते। वो 5.5 फुट का सबूत रखने की जरूरत ही क्या थी, और उसके ऊपर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। जिसने तुम्हें खून करते हुए देखा वो यही निकली साहिबा। मुझे लगता है डैड, आई शुड हैव किल्ड हर, उसे भी मार दूं। बेवकूफी की बात मत करो विकी, उस मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। हम तो सिर्फ नाम के राय बहादुर हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। हमारे लिए साहिबा एक लड़की का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों की जायदाद की हुंडी का नाम है, जिसे भुना भुना के हमें जिंदगी भर ऐश करनी है। पर किसी दिन साहिबा ने मुंह खोल दिया तो? एक बार तुम्हारे साथ साथ फेरे ले लिए ना, तो तुम्हारी सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, मुंह खोलकर तुम्हें फांसी पर नहीं लटकाएगी। बस अब इस विवाह में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। कैसे हुई तेरी इस घर में दाखिल होने की? मेरे ही घर में आकर मेरे परिवार की इज्जत के साथ खेलते रहे तुम? फायदा उठाया तुमने हमारी शराफत का? मारिए, जितना जी चाहे मारिए, मेरा कसूर ही ऐसा है। कसूर? धोखा दिया है तूने, हमारे भरोसे को तोड़ा है, मजाक उड़ाया है हमारा। इतना बड़ा झूठ तूने सच क्यों नहीं बोला? कोशिश की थी मैंने, किसी ने सुना नहीं। और वो क्या है बाबूजी, मेरा मन भी थोड़ा लालची हो गया था, परिवार कभी देखा नहीं था ना मैंने, इन रिश्तों से अनजान था मैं। अनजाने में पाप हो गया मुझसे भाऊजी, उसी पाप का प्रायश्चित करने आया हूं मैं। तूने वो गुनाह किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, चला जा यहां से वरना। चला जाऊंगा भाऊजी, बस एक बार साहिबा से मिली। खबरदार, जो उसका नाम अपनी जुबान पर लाया तो उसकी शादी होने वाली है। क्या? हाँ, उसकी शादी होने वाली है। नहीं भाऊजी, ऐसा मत कीजिए भाऊजी, प्लीज ऐसा ना कीजिए भाऊजी। वो साहिबा की दोस्ती थी जो पहली बार मुझे इस घर में ले आई, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो वो सिर्फ साहिबा की मोहब्बत के कारण। सवाल को लगाम दे नमक हराम, वरना मैं जान से मार डालूंगा तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हट जाओ, प्लीज छोड़ दो। चले जाओ करण, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी अपने घर जा रही है अपने पति के साथ, तुम बस चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दोबारा पलट कर इस घर की तरफ देखना भी नहीं, समझे? निकल जाओ यहाँ से। करण भी आया है। ये लड्डू उधर रख दो, जल्दी करो जल्दी। ये क्या, ये शगुन का थाल अभी तक यहीं रखा हुआ है? मैंने रौनक से कहा भी था कि इसे लड़के वालों के यहाँ पहुँचाकर तिलक की रस्म पूरी करके आए, मगर ये रौनक, मैंने तुमसे कहा था कि ये सारी मिठाई वहाँ पहुँचानी है, तो फिर तुम गए क्यों नहीं? आप ये शादी रोक दीजिए भाई साहब। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? टुकड़े करने बेटी के तो एक छुरी लेकर काट डाली है, लेकिन ऐसे टुकड़े मत करिए कि दिल कहीं रह जाए और जिस्म कहीं और चला जाए। रौनक, होश की बात कर, एक बाप के सर पर अपनी जवान बेटी की जिम्मेदारी के मायने क्या है ये तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है। ये तो बहुत गलत बात कह दी आपने भाई साहब, अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि साहिबा मेरी बेटी नहीं है? एक बात कहूं मैं आपसे,
जितना आपका खून दौड़ रहा है ना उसकी रगों में, उसे कहीं ज्यादा मेरा प्यार दौड़ रहा है। जब पहली बार मैंने उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया था तो मुझे लगा अच्छा वो भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, नहीं तो शायद मैं अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं कर पाता। साहिबा मेरे सीने से लगकर बड़ी हुई है भाई साहब, जैसे पेड़ के सीने से लगकर बेल बढ़ती है। मैं उसके दिल के हर दर्द हर धड़कन को समझता हूं, और आज उसका दिल सिसक सिसक कर धड़क रहा है और उसका दर्द मुझे यहां महसूस हो रहा है यहां। अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये बारात वापस लौटा दीजिए भाई साहब, वापस लौटा दीजिए। मुझे जल्दी से याद दिला दे रौनक कि तू मेरा भाई है, वरना आज मैं तेरी लाश पर पांव रखकर साहिबा की डोली भेजूंगा। रोनी शाबाश मेरे बच्चों शाबाश, बच्चीते जी यही कुछ देखने को बाकी रह गया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान इज्जत से साहिबा की डोली को रुखसत होने दो, फिर कर लेना मनमानी। बात क्या है रौनक पापा, आप मुझे मंदिर में क्यों लाए हैं? मंदिर में इंसान किससे मिलने आता है, देवता से ही ना। ये क्या हो गया करण, तुम क्या गए, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। पता है मेरी शादी किसके साथ की जा रही है? रौनक पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी शादी किसी खूनी कातिल के साथ नहीं होगी। पर बाबूजी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। देखो भाई साहब, ये शादी करके ही मानेंगे, इसलिए तुम्हारे सामने बस एक ही रास्ता है कि तुम साहिबा को लेकर भाग जाओ अभी इसी वक्त। पर भाग कर जाएंगे कहां? कहीं भी जा सकते हो। भाग कर तो एक रिश्ता बना लेंगे रौनक पापा, लेकिन हमारे पीछे जितने भी रिश्ते टूट जाएंगे उनका क्या? मुझे नहीं लगता कि रिश्ता बनाने का सही तरीका है। सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने प्रेम की खातिर तुम्हें यह समझौता करना ही पड़ेगा। नहीं रौनक पापा, प्रेम की जिंदा अक्षर का गुणगान हर धर्म में पाया जाता है, हम इसे अपने स्वार्थ के लिए बदनाम नहीं करेंगे। रही बात समझौते की, तो अब ये मेरे लिए धर्म युद्ध है, या जीत होगी या हार, समझौता नहीं होगा। करण, वो है ना साहिबा जिसके दरबार में हम खड़े हैं, उसके होते हुए तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं होगा, भरोसा रखो। बिना सहरे के तो तूने बहुत सी शादियां की हैं। ले आज ये सहरा भी पहन ले। ओए सहरे की लड़ियों को पास पास करो, कहीं से चेहरा ना दिखे, समझे? सहरा बदवाएगा तू, तुझे तो मैं फांसी का फंदा पहनाऊंगा। मुझे तेरी जूठन कबूल करनी पड़ रही है सिर्फ उसकी दौलत की खातिर, और फिर उसने मुझे खून करते भी तो देख लिया था। बस मेरे बेटे के साथ फेरे हो जाएं तो साहिबा की जिंदगी का भी किस्सा खत्म हो जाएगा। हरामखोर, तेरे जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? धोखेबाज, मैं तुझे तेरे पापों की सजा जरूर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है योगी, पहले विवाह तो हो जाए। तेरे ये नापाक इरादे मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा सिंघाल। बिल्कुल होंगे योगी,
अब साहिबा हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तक तुम्हारी जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बहू नहीं बनेगी, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हम बहू लेने आए हैं, उसे तो साथ लेकर ही जाएंगे। छोड़ दो मेरे डैड को, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। I said leave him! इस खानदान की इज्जत तेरे हाथ में है, बस इतनी विनती है कि कोई जग हंसाई ना हो। ओ मुबारका जी, मुबारका, साहिबा की शादी की मुबारका। आई एम सॉरी योगी, अपनी बेटी की शादी में तुम खुद शामिल नहीं हो पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी हरगिज नहीं होगी। जिंदा रहोगे तब ना। अभी मैं विकी को वही समझा रहा था कि पीछे कभी कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। आज यहां कोई सबूत नहीं रहेगा। जैसे ही वहां लड़का और लड़की का गठबंधन होगा, पहली बड़ी आतिशबाजी के धमाके के साथ मेरे लोग तुम्हारी मिल को आग लगा देंगे। जैसे वहां विधि आगे बढ़ती जाएगी, यहां आग बढ़ती जाएगी। वहां पर अग्नि के गिर्द फेरे होंगे, यहां तुम दोनों के गिर्द अग्नि ही अग्नि होगी। चलो बेटे। चल साहिबा, अब वक्त आ गया है। Thank you.
लड़की के पिताजी को बुलाइए, गठबंधन की रस्म पूरी करनी है। ये भाई साहब ये कहाँ चले गए? रौनक जी आप ही आइए। सब कुछ जल के खत्म हो गया बाबूजी। करण, ये सारी दौलत तो हाथ की मैल है, मेरी असली दौलत तो मेरी बेटी है। अगर आज मैं उसे नहीं बचा पाया तो जिंदगी में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग खड़े हो जाए। सुनो भाई साहब, क्या साहिबा को अंदर ले जाओ। We've tried everything possible, Garhiwal sahab. Yet there is no sign of any improvement. कुछ कहा नहीं जा सकता. Let's hope for the best. याद है? तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बगैर नहीं जी सकती, याद है ना? और आज तुम ही मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। नहीं, ऐसे नहीं, और इस तरह अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अकेला हो जाऊंगा साहिबा। मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा साहिबा। प्लीज डोंट लीव मी। I love you.
अपने ही बच्चों का प्रेम मैं नहीं पढ़ पाया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैं क्या करूं? घबरानी मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। लड़की होगी, लड़की संभाल के।